गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लग रहा है सभी को इतने टाइम के बाद देख के, और बहुत सारे दोस्त नजर आ रहे हैं। सॉरी जी, सो दिस इज फॉर सीएचएसडी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग वेयर वी आर डिसमिनेटिंग अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ इंटरवेंशंस विद मेन एंड बॉयज हैव ऑन प्रिवेंशन ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो ये मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक स्टडी जो हुआ, बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है, प्लीज कोई म्यूट करेंगे। शीति प्लीज आप वो सेशन कीजिए डिसेमिनेट, ये पूरा अभी आ रहा है आपकी। यू कैन म्यूट इट, यू कैन म्यूट इट ऑन योर ओन, जस्ट यू नो जस्ट गो टू दैट। तो सभी का स्वागत है, आप लोगों ने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला, बहुत सारे लोगों ने, कई साथियों ने स्टडी को पढ़ा है। आई विल ट्राई टू बी इन स्पीक इन बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश। और सभी जानते हैं कि कोविड के दौरान में जेंडर बेस्ड वायलेंस एमर्ज्ड एज वन ऑफ वेरी यू नो ग्लोबल इमरजेंसी, एंड थ्रू दिस स्टडी वी ट्राई टू सी व्हाट इंपैक्ट टू इंटरवेंशंस विद मेन एंड बॉयज और वर्क विद मेन एंड बॉयज do on prevention of gender-based violence. So I hope it will be, I mean, interesting for all of you. और हम लोग बहुत कोशिश करेंगे कि भागीदारी बनी रहे सबकी और सभी लोग अपने अपने views रख सके। और सबसे request है, please if possible आप chat पे अपने questions, अपने अनुभव, अपने सवाल जरूर लिखते रहें। और कोशिश कीजिए अगर कहीं पर कोई disturbance है तो please अपने को mute भी कर लीजिए, क्योंकि वो एक थोड़ा चर्चा के टाइम पे थोड़ा उसमें प्रॉब्लम होता है। सो दैट इज अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन। ये पूरा सत्र जो है वो हम लोगों ने कुछ चर्चा में बांटा हुआ है। श्रुति कैन यू प्लीज शो द एजेंडा, जिसमें हम लोग इस पूरे सत्र को जो चेयर करेंगी, इनाक्षी जी चेयर करेंगी, इनाक्षी गांगुली जी। और इसके बाद हम लोग अलग अलग जो साथी जिन्होंने रिपोर्ट का पढ़ा है वो अपने विचार रिपोर्ट के ऊपर शेयर करेंगे। सो देयर विल बी अ डिस्कशन ऑन दैट, एंड आफ्टर दैट वी विल ब्रेक इनटू स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कशन इन द स्मॉल ग्रुप्स विल बी कैरीड आउट। सो दैट विल बी देयर आफ्टर द डिस्कशन इन स्मॉल ग्रुप्स, वी विल कम बैक इन द larger group to share the findings, share the, you know, the discussion point, and then it will be led to the future direction of work. The kuch disturbance ho rahi hai, but sabhi log koshish karenge ki aisa na ho paaye to. So now I request Inakshi ji to chair the session. Inakshi Ganguly ji, I think many of us, or she's a well-known name in the development sector. She is human rights activist, and she has been raising voices of marginalized and poor, I think, more than 3 decades now. She's a writer, researcher, and writing on range of issues. She's associated with many organizations, and she's one of the co-founder of HUC, Center for Child Rights, which was founded in 1998. And now having transitioned from HUC as full-time co-director, now she is taking the role of advisor and is now working as freelance consultant as well. She is associated with many esteemed organizations, and few of them are Sruti, Society for Rural Urban Tribal Initiatives, and she's on the board of Gender Center of the Lal Bahadur Shastri Academy for Administration and National Center for Advocacy Studies. She's I know her role, and the way she gives inputs is very crucial, very important. So now session is to you, please. Inakshi ji, aap aage ka session aapke hawale hai. Thanks. So namaskar, adab, sat sri akal. I always find this very very challenging, ye jo hum log computer ke andar bolna padta hai और लोगों से हम मिल नहीं पाते हैं, उससे लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, पता नहीं किससे बात कर रहे हैं, साइबर स्पेस में घूम रहा है अपनी आवाज। बट इट आल्सो मींस हम लोग बिना पैसा खर्च करे एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, व्हिच इज इन टुडेज टाइम्स ऑफ
डिफिकल्ट फंडिंग इट इज अ वेरी गुड आइडिया. सो आई थिंक कोविड ने हमें ये तो सिखा दिया कि हम बिना पैसा खर्च करे कैसे से चर्चा कर सकते हैं. सो आई संध्या आपने ये बताना भूल गई कि मैं CHS जेकी भी ट्रस्ट पे हूँ, इसीलिए आप लोगों ने मुझे आज यहाँ बिठा दिया है. So I am your bonded labor today. So it gives me great pleasure to share this, facilitate this meeting. It's more a facilitation on the study what impact do interventions with men and boys have on prevention of gender-based violence. And I know how important this subject is because I work on violence. I've worked on violence for almost 25-30 years. Or role of the gender role in violence is so important. And the role of men and boys has always been something that has not been given due attention in a number of places. मुझे बहुत साल पहले याद है कि मैं मार्ग की तब डेप्यूटी डायरेक्टर थी और हम लोग हमारे कानून नाम की एक श्रृंखला में एक किताब निकाली थी. हमने एक पूरी सेट है, शायद आप लोगों ने में से किसी ने उसको देखा भी होगा. तो हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे कानून की, तो कर तो हम औरतों के साथ कर रहे थे, बट द मैन वर सिटिंग ऑन द साइड. सडनली वन मैन कम्स वॉकिंग अप एंड ही सेज, अब मुझे पता लगा. मैंने कहा क्या पता लगा? कहता है हम पति हैं, परमेश्वर नहीं. तो ये उनको द रोल ऑफ मैन इन 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 एड्रेसिंग patriarchy and the role of men in addressing gender imbalance, not just violence, is very, very critical. And so I myself look forward to the finding of this study, and which the Center for Health and Social Justice and Pramiti Philosophy with Pramiti Philanthropy with support from ATE Chandra Foundation have undertaken. I hope that all of you will stay till the end of the program. बहुत लंबा प्रोग्राम करने की हम कोशिश करेंगे कि हम इसको इंटरैक्टिव और जितना हद तक हो सके हम उसको सबको इन्वॉल्व करते हुए आगे बढ़ने की हम लोग कोशिश करेंगे. उस इतना कहते हुए मैं अभिजीत को हैंड ओवर करती हूँ. अभिजीत, to share the findings of the study. Thank you. Thank you, Inakshi. I hope I am now audible. Totally. Okay, great. So thank you, Inakshi, for sort of agreeing to facilitate. And what I'll quickly do is share the screen and then start my presentation. Can you see my screen? Yeah. So, जैसे Inakshi ने बोला, ये men and boys के साथ काम का एक हम लोगों ने मूल्यांकन किया. मैं दो भाषाओं का इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा. जैसे कई लोग जानते हैं CHSJ इस मुद्दे पर काफी सालों से काम करता है, दो दशकों से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं. और ये उम्मीद कि इस अध्ययन के समय था और जो प्रमिति के साथियों के साथ ये चर्चा हुई बंबई में करीब 1.5 साल पहले, इसी वायलेंस पे एक मीटिंग था, मैं उनसे वहां पे मिला, कि हमारे देश में ये काम फैल तो रहा है, कुछ इसके बारे में लोगों का सोच भी है, लेकिन इससे निकल क्या रहा है, इसका नतीजा क्या है, इसको लेकर थोड़ा सा समझ बनाना जरूरी है. क्योंकि जितना इवैल्यूएशन स्टडीज वगैरह होती हैं, ये अक्सर छोटी संस्थाएं या संस्थाएं जो गांव से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, जो लोगों के बीच में काम करती हैं, उनके पास इस तरह के सीख निकालने का, अपने काम के बारे में जो है रिसर्च करने का जो है, उनके पास ये जो कहें क्षमता भी नहीं है, संसाधन भी नहीं है, और वो अपने काम से जो है कट जाते हैं. और कुछ संस्थाएं रिसर्च कर पाती हैं और कुछ संस्थाएं काम की प्रक्रिया में ही रुकी रहती हैं. तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए CHSJ खुश नसीब है कि हम लोगों ने इस पर रिसर्च किया है. लेकिन हमें पता है कि हमारे बहुत सारे साथी संस्थाएं हैं जिनको ये रिसर्च करने का मौका मिला नहीं. तो क्या हम इस प्रक्रिया को थोड़ा सा
जोड़ सकते हैं, क्या सभी संस्थाओं से एक सम्मिलित क्या सीख है उसको निकाल सकते हैं, और इस तरह के काम को किस तरह भविष्य में हम आगे की तरह ले सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, और इसका जो है पॉलिसी संदर्भ क्या हो सकता है, और जो जिन संस्थाओं के पास रिसर्च या इस तरह की इवैल्यूएशन की क्षमताएं नहीं रहती हैं या संदर्भ नहीं रहते हैं, संसाधन नहीं रहते, उनको सीखने से आपस में सीखने सिखाने या खुद के काम को मजबूत करने के लिए किस तरह की पद्धति हमें इस तरह निकल रहा है। तो इसी के चर्चा के आधार पर एटी चंद्रा फाउंडेशन ने हमें मदद किया इसके लिए। ये एक 2 साल का प्रक्रिया था, उस समय हमने सोचा था कि कोविड कम होगा धीरे धीरे, लेकिन जैसे हम जानते हैं दूसरा लहर बीच में बहुत भयानक रूप से फैल गया। तो ये 2 चरणों में इस स्टडी को तय किया गया था। फर्स्ट स्टेज हम लोगों ने एक ऑनलाइन सर्वे किया था, हमारा उम्मीद था 25 करीब संस्थाएं मिलेंगी, लेकिन 66 संस्थाओं ने इसमें भाग लिया, और हमें पता है कि कई संस्थाओं ने भाग नहीं लिया जिनका नाम हम जानते हैं। तो ये काफी फैला हुआ क्षेत्र लग रहा है जो कि लड़कों के साथ और पुरुषों के साथ काम कर रहे हैं। और दूसरे चरण में हमने सोचा था 5-7 संस्थाओं के साथ गहरे रूप से सीखने की काम करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया, जैसे आप लोग जानते हो कोविड का दूसरा लहर आ गया, और उसके चलते हम लोगों ने गहराई से बातचीत 16 संस्थाओं से की। और ये जो रिपोर्ट है ये 66 संस्थाएं और 16 संस्थाएं दोनों के सीख को लेकर पेश किया गया है, और हमें इस पूरे प्रक्रिया में एक एडवाइजरी ग्रुप ने मदद किया। हम बहुत खुश हैं कि उनमें से रंजनी जी आज यहाँ पे मौजूद हैं, बाकी जो है रेणु खन्ना जी भी शामिल थी, संजीव श्रीधरन और अप्रिल नकाइमा करके इवैल्यूएशन एक्सपर्ट्स हैं कनाडा में बेस्ड, वो थे। और अभिजीत, देयर आर सम पीपल हु आल्सो वांट यू टू स्पीक अ लिटिल इन इंग्लिश। ओके, आई हैव केप्ट द प्रेजेंटेशन इन इंग्लिश, सो we also had some advisors, and this product is also going to benefit from, this is a draft report, or it will also benefit from your inputs today, so we are looking forward to those inputs during the breakout session. ye report ka jo written report hai uska structure hai, hum logo ne isme literature review kiya hai, mardon ka jo bhumika hai wo kis tarah dekha jata hai, how do we view men and masculinities in india, और किस तरह हाउ हैज प्रोग्रामिंग इंक्लूडेड जेंडर बेस्ड प्रोग्रामिंग इंक्लूडेड मेन एंड बॉयज, ये रिटन रिपोर्ट में है, उस पर आज मैं ज्यादा चर्चा नहीं करने वाला हूं क्योंकि वो इस डायरेक्ट प्राइमरी डेटा से जुड़ा हुआ नहीं है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं मुख्यतः जो सर्वे एंड जो इनडेप्थ इंटरव्यू है, द फाइंडिंग्स दैट हैव कम आउट फ्रॉम दोज टू सोर्सेज, वी हैव focused on that, and we've also tried to keep the CHSJ's own lessons at an arm's distance. हम लोगों ने, क्योंकि CHSJ खुद भी इस पे काम करती है, तो हम लोगों ने इसमें अपनी बातें जो है केवल मात्र जो है discussion और directions for the future में जोड़ेंगे, उसके पहले हम लोगों ने इस अपने काम के बारे में कोई चर्चा नहीं की। तो थोड़ा सा to just introduce the organizations who we were able to reach out to. जैसे मैंने कहा 66 ऑर्गेनाइजेशंस इसमें जुड़े थे ड्यूरिंग द सर्वे, और उनका काम जो है अलग अलग तरह से जेंडर के और जेंडर बेस्ड वायलेंस और जेंडर इक्वालिटी से जुड़ा हुआ है। द लार्जेस्ट ग्रुप वर्क्ड विथ रूरल कम्युनिटीज, अ मच स्मॉलर ग्रुप वर्क्ड विथ अर्बन स्लम्स। केवल 9 संस्थाएं थे जो केवल मात्र अर्बन स्लम्स में काम करते हैं, जबकि करीब 30 संस्थाएं थे जो केवल मात्र रूरल में काम करते हैं। एनजीओ स्टूडेंट्स को लेके भी कई सारी संस्थाएं, वो कॉलेज स्टूडेंट्स एंड स्कूल स्टूडेंट्स, कई संस्थाओं का काम जो है जो पब्लिक फंक्शनरी, जो पब्लिक फंक्शनरी यानी कि आशा आंगनवाड़ी वर्कर, स्कूल टीचर, इस तरह के कार्यकर्ताओं जो है उनके साथ, लेकिन जो पब्लिक पॉलिसी का काम है वो कई सारी कम संस्थाओं का काम था। केवल मात्र 7 संस्थाएं थी जिन्होंने कहा हमारा काम परपेट्रेटर्स के साथ है, यानी कि जो हिंसा करते हैं उनके साथ है। जब हमने इनडेप्थ इंटरव्यू की तो उस समय संस्थाओं को और बारीकी से पहचानने की कोशिश की, हम लोगों ने संस्थाओं के बहुत सारे दस्तावेज भी देखे। तो अगर हम उस तरह देखें तो 6 अलग अलग प्रकार के संस्थाएं हमें दिख रही थी। एक तो है कि दोज हु डू कम्युनिटी डेवलपमेंट, जो सामुदायिक विकास के काम में करते हैं और उसमें महिला सशक्तिकरण, सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह का काम भी करते हैं। कुछ और संस्थाएं थी जो कम्युनिटी डेवलपमेंट विद अ ग्रेटर फोकस ऑन वुमेन्स राइट्स। Then there were women's rights or feminist organizations. There were a few crisis support services.
And there were organizations working on child rights, adolescent health, young people's rights, और कुछ चाइल्ड राइट्स एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट. तो इस तरह के काफी जो देख सकते हैं तो कई प्रकार की संस्थाएं हम लोगों को इस जो अध्ययन में उन्होंने भागीदारी की. और जो मुद्दों पर उन्होंने कहा हम काम करते हैं, ये सर्वे से निकला हुआ तथ्य है. जो सबसे कॉमन मुद्दा था वो था जेंडर बेस्ड वायलेंस सार्वजनिक स्थल पे या पब्लिक स्पेस पे. अगर आप देखेंगे जेंडर बेस्ड वायलेंस प्राइवेट स्पेस पे काफी कम थी संस्थाएं, कुछ हद तक अगर हम देखेंगे जहां जहां प्रोजेक्ट्स मिलते हैं उस तरह के मुद्दे SRHR, एडोलेसेंट हेल्थ, कुछ हद तक हमको वो भी दिखता है. जो छोटा ग्राफ दिख रहा है वो है कि जो केवल मात्र उस मुद्दे पर पुरुष और लड़कों के साथ काम कर रहे हैं. अगर हम देखेंगे सो मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट वर्क एक्सक्लूसिवली विथ मेन एंड बॉयज. वो अगर एक मुद्दे पे काम कर रहे हैं दे आर वर्किंग विथ मेन एंड बॉयज एज वेल एज विथ वुमेन एंड गर्ल्स. तो जिसको हम कहते हैं वो सम्मिलित समुदाय के दोनों अंगों से, लड़कों के साथ पुरुषों के साथ, लड़कियों के साथ महिलाओं के साथ, सबके साथ ही काम कर रहे हैं. हमें किस तरह के परिवर्तन नजर आए अगर उस पर हम एक नजर डालें तो जो दिखेगा, जो इस ग्राफ के बाएं तरफ जितने पहले चार हैं उसको सब जो है घरेलू क्षेत्र में परिवर्तन दिखा. फैमिली लेवल डिस्क्रिमिनेशन, घर में जो भेदभाव है वो कम लोगों ने नजर की. 50 संस्थाओं ने इसको नजर किया. 66 में वायलेंस घटी है. लड़के और पुरुष अभी महिलाओं के जो है हित में उनके साथ खड़े हैं, और महिलाएं और लड़कियां जो है अभी उनमें हौसला बढ़ा है. ये हमको सबसे ज्यादा मिल रहा है. इसके साथ साथ हमको जो है कम्युनिटी में भी कई सारे परिवर्तन. संस्थाओं ने कहा कि हमें काफी जो है लड़कों से और मर्दों से रेजिस्टेंस, यानी कि उनसे हमको एक 5 संस्थाओं ने कहा कि हमें किसी भी तरह का परिवर्तन का नजर नहीं आया. हमने एक स्कोर बनाया, 8 ऐसे थे, एक स्कोर अभिजीत are you there? अभिजीत are you there? I think he's dropped. Just check. I'm checking with him. Please check. He's there. No, he's you're, back. He's back. You are mute. Abhijit, you're muted. I'm sorry. I think I blipped. Yeah. Can you see you my screen? You blipped and then you muted yourself. No, that is my screen visible? Oh. No. No. It's gone. मैं परिवर्तन की बात कर रहा था. ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन ज्यादा दिखा है. वी हैव सीन मोर चेंजेस इन द रूरल एरिया. वी हैव सीन मोर चेंजेस इन द फैमिली डोमेन कंपेयर्ड टू अर्बन एरिया एंड इन द कम्युनिटी डोमेन. जो इनडेप्थ इंटरव्यू से हमको इसमें से जो गहराई से समझ आई कि वो है कि घरेलू स्तर पे लड़के और पुरुष बहुत सारे घरेलू काम में मदद करते हैं. उनकी मानसिकता बदल रही है कि ये इस तरह के काम, बर्तन धोने का काम, खाना बनाने का काम, कपड़े धोने का काम, दीज आर विमेन्स वर्क. ये बदल रहा है. एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो निकली है वो है कि भाषा, किस तरह का भाषा इस्तेमाल कर रहा है. तो लड़के और पुरुष अभी गाली देना या जो कहेंगे कि डिसरिस्पेक्टफुल लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. लेसर क्वारल्स एट होम. अभी रिश्ते बच्चों के साथ उनके पिताजी का बढ़ा है. और ये मर्द जो है अभी सार्वजनिक स्तर पे जो है घरेलू हिंसा जहां पे दिख रहा है वहां पे हस्तक्षेप कर रहे हैं. लड़के जो है अपने बहनों के शिक्षा के बारे में चिंतित हैं, सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं. लड़कों में एक नई पहचान जो है अलग से बन रही है. और देखने की बात, कुछ लोगों ने कहा कि ये इम्तिहान में दे आर डूइंग बेटर एट एग्जाम्स और कुछ डिसिप्लिन भी इनका बढ़ गया है. एक चीज और लोगों ने कहा कि महिलाएं और लड़कियों में भी जो है इस लड़कों के परिवर्तन को वो भी देख रहे हैं. और उन्होंने ये कहा
कि महिलाओं में आने जाने का जो छूट है वो बढ़ा है, इन मोबिलिटी हैज इंक्रीज। कई जगह पे उन्होंने कहा कि इनकी आजीविका बढ़ी है, महिलाएं अभी काम करने लगी हैं और घरेलू स्तर पे भी जो आजीविका है, आय है, वो बढ़ी है। महिलाएं अपने जो आजीविका है उस पे उनका जो है पकड़ बढ़ी है। एक ट्राइबल कम्युनिटी आदिवासी क्षेत्र से ये खबर मिली कि उन्होंने कहा कि पहले गांव में कुछ हो गया तो महिलाओं को दोषी ठहराया जाता था, कह जाता कि उनके जो है उन पे भूत आया है, वो अभी कम हुआ है। कुछ जगह पे ये बात हुई कि महिलाओं को पंचायत में खड़ा करने के लिए, खड़ा होने के लिए उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। लड़कियां जो है अभी स्कूल जा रही है, अपना जो है हिम्मत उनका बढ़ा है, आत्मविश्वास बढ़ा है। कपड़े क्या पहनेंगे, जैसे जीन्स पहनेंगे वगैरह, ये छूट उनमें बढ़ी है। और लड़कियों को और महिलाओं को लग रहा है कि हमें अपने घर में जो मर्द हैं, जो पुरुष हैं, लड़के हैं, उनसे सहयोग मिल रहा है। एक चीज और जो बहुत क्लियरली लोगों ने कहा कि अभी रिश्तों में परिवर्तन हुआ है, जो महिला पुरुष का रिश्ता है, जो मियां बीबी का रिश्ता है, उसमें जो है सौहार्द आया है, उसमें जो है प्यार बढ़ा है। किसी ने तो प्यार की बात भी की, हम लोग विकास में प्यार की बात करते नहीं है। बच्चे अपने माता पिताओं से अभी अपना दोस्ती महसूस कर रहे हैं, बच्चे बच्चों के प्रति पिता भी अपना जो है प्यार इजहार कर रहा है, वो दिखा रहे हैं। और भाई बहनों के बीच में भी रिश्ते बदले हैं। कुछ जगह पे ये बात हुई कि जो हमारे यहाँ पे जो सामाजिक रीति रिवाज हैं, जो कई जगह पे वो जेंडर बराबरी बढ़ाती हैं, उनमें भी परिवर्तन दिखा है। और ये जो बात हुई थी कि ये काम लड़कों का है, ये काम लड़कियों का है, बाहर का काम लड़कों का है, घर का काम लड़कियों का है, इसमें जो है मानसिकता बदल रही है। कोविड के बारे में लोगों ने कहा कि उन्होंने, सारी संस्थाओं ने कोविड के दौरान अपने समुदाय के बीच में काम किया। कुछ लोगों ने कहा कि करीब 60 के आसपास की घरेलू हिंसा बढ़ते हुए देखा, लेकिन अपने कार्य क्षेत्र में उन्होंने हिंसा बढ़ते हुए नहीं देखा। जो पुरुषों के साथ या लड़कों के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे पुरुष और लड़के अपने घर में मदद भी कर रहे हैं, जो राहत का काम है राहत के काम में भी मदद कर रहे हैं। एक जगह पे उसी दौरान जो है आंधी भी आई थी, और आंधी में जो राहत का काम है उसको भी सरकारी राहत के काम के साथ जोड़ने की बात इन लोगों ने किया। और एक जगह तो उन्होंने कहा कि तिरपाल खरीद के भी ग्रुप के लोगों ने ऐसे राहत में खुद मदद किया। लेकिन ऐसा नहीं है जैसे सभी जगह पे हर पुरुष ने मदद किया। 13 संस्थाओं ने कहा कि उनको काफी बाधाओं का सामना करना पड़ा था। कई लोगों ने कहा जिनके साथ हमने गहराई पे बात की कि लड़कों के साथ काम करना, मर्दों के साथ काम करना, लड़कियों के साथ या महिलाओं के साथ काम करने से कठिन है। उनको जोड़ना दिक्कत है, हिंसा के मुद्दे पे बात करना नहीं चाहते हैं, खुले में बैठ के बात करना नहीं चाहते हैं। उनको जो है हिंसा की बात अगर करना है तो, और खास करके मर्दानगी की बात अगर करनी है तो उनको बंद जगह की जरूरत होती है। इनके ग्रुप में अक्सर जो है ड्रॉप आउट होता रहता है। अगर हम शहरी क्षेत्र में बात करना चाहते हैं तो उनके साथ रात को मिलना पड़ता है, क्योंकि अक्सर वो घर के बाहर रहते हैं। और ये बात भी कही गई कि कुछ पुरुष जुड़ते हैं, कुछ पुरुष नहीं जुड़ते। जिनका उम्र ज्यादा हो गया है, जो उच्च जाति के हैं, जो जिनके पास जो रहने सहने का रहन सहन अच्छी है, वो कम जुड़ते हैं। लेकिन जो गरीब हैं, जो दलित हैं, वो ज्यादा जुड़ते हैं। एक बात ये भी कही गई कि कभी कभी परिवर्तन के लिए उनको बहुत सहलाना पड़ता है, और उनको जो है हो सकता है कभी कभी ये परिवर्तन बहुत ठोस भी ना हो, शायद कुछ दिखाने के लिए भी हो रहा है। और परिवर्तन हो भी तो घर का जो सत्ता है, जो पावर है, वो अक्सर उनके हाथ में ही रहता है। लेकिन लोगों ने कहा कि ये प्रोजेक्ट बहुत छोटा होता है, इसके लिए समय ज्यादा चाहिए। और परिवर्तन अगर ठोस और लंबे समय का देखना चाहते हैं तो वो समय देना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम लोगों ने लोगों से बात की थी कि किस तरह के गतिविधियों को वो मर्दों के साथ और लड़कों के साथ करते हैं, और लंबा लिस्ट है, आप लोग देख रहे हो, कम्युनिटी एडुकेशन, कम्युनिटी मोबिलाइजिंग, नेटवर्किंग, एडवोकेसी, कई तरह के एक्टिविटीज लोग करते हैं। रिसर्च का काम बहुत कम है। हमने फिर गहराई से बात करने की कोशिश की तो गहराई से ये बात निकली कि ग्रुप्स बनाते हैं, मोबिलाइजेशन करते हैं, कैंपेन तो करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग पे लोगों ने बहुत जो है एम्फसाइज किया कि ट्रेनिंग के दौरान हमको कुछ खास मुद्दों को देखना पड़ता है। मैस्कुलिनिटी की बात, मर्दानगी की बात, हिंसा की बात, कंसेंट यानी कि सहमति की बात, सेक्सुअलिटी की बात और सत्ता, ये करिकुलम में रखना बहुत बहुत जरूरी है। फिर उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण के दौरान उनको महिलाओं और लड़कियों की स्थिति के प्रति एक सहानुभूति या एम्पथी,
जोड़ना बहुत जरूरी है और इक्वालिटी या समानता पे एक विश्वास पैदा करना बहुत जरूरी है। और मर्दों के साथ काम जब करते हैं तो जेंडर की बात जो है कास्ट क्लास के साथ इंटरसेक्शनल अप्रोच में बात करने से लड़कों और मर्दों को समझाना आसान है और उनको लड़कियों और महिलाओं के प्रति एक सहभागिता या एलाइशिप, उनके साथ एकत्र होकर काम करने की भावना, उसको भी बढ़ाना जरूरी है। लीडरशिप की बात कई लोगों ने किया और ये भी बात कही कि हमें इसके प्रशिक्षण के दौरान हाउ डू यू वर्क विद पब्लिक सिस्टम, जो लोकल जो जो सरकारी व्यवस्था है उसके साथ और उसकी सुविधाएं जो महिलाओं के लिए है उनको कैसे हम लोग इन मर्दों के आधार पे जोड़ने का काम कर सकते हैं, उन पे उन्होंने ध्यान दिया और कहा कि प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद भी उनके साथ हमको जुड़ाव बनाए रखना पड़ता है। कहीं पे एलमनाई ग्रुप की बात की, कहीं पे व्हाट्सएप ग्रुप की बात भी लोगों ने कही। हमने उनसे ये बात भी कोशिश करने की पता करने की कोशिश करी कि आपको क्यों लगता है ये परिवर्तन हो रहा है, व्हाई डू यू थिंक सच चेंजेस टेकिंग प्लेस। तो उन्होंने कहा एक बात बहुत मजबूती से कहा कि पहले अगर महिलाओं के साथ काम हुआ हो तो इस काम को करना आसान है क्योंकि घर के स्तर पे मर्द को एक दबाव रहता है कि वो बदले और महिलाएं काम कर रही हैं, महिलाएं इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं, तो पुरुष के लिए ये परिवर्तन घर के स्तर पे उससे कुछ जो है पॉजिटिव एक जो है फीडबैक मिलता है और ये जो संबंधों में परिवर्तन होता है फिर वो परिवर्तन की प्रक्रिया को और तेजी से बढ़ाने के लिए कामयाब होता है। फिर जो प्रशिक्षण का लोगों ने कहा कि उसमें सोचने का, गौर करने का, विचार करने का, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, उस पे ध्यान दिया। फिर उन्होंने कहा ये काम अक्सर हम गरीब तबकों के साथ करते हैं, ये जो है हाशिए पे रहने वाले ग्रुप्स के साथ करते हैं और इन मर्दों के लिए ये ट्रेनिंग उनको अपने बारे में समझ बनाना ये मदद करता है, उनको नेतृत्व विकास से, किनारे में रहने वाले मर्द हैं इनको अपने अपने समुदाय में नेतृत्व की भूमिका, एक नए प्रकार के नेतृत्व भूमिका बनती है जो कि सत्ता को पकड़ के रखना नहीं लेकिन सत्ता को बांट के इसमें एक नया एहसास होता है। एक मर्दों को भी जो है उनके तनाव के लेवल्स कम होते हैं क्योंकि उनको मर्दानगी पे समझ बनती है, आपसी दोस्तियां उनके बीच में गहराई मिलती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि जिन संस्थाओं के साथ वो काम करते हैं, जो संस्थाएं इस प्रेरणा का काम देते हैं कि गांव में ये काम करें या समुदाय के बीच में इस तरह का काम करें, उनको जब आप देखते हैं, ये लोग देखते हैं कि वो भी जो बात कह रहे हैं उसी बात को जीते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। जैसे फिर इससे उभर क्या रहा है कि इस तरह के जो परिवर्तन है ये करने में सहायक क्या होता है। पहली बात जैसे बहुत बहुत संस्थाओं ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण का काम एक बहुत सहायक तत्व है, इसके आधार पे मर्दों पर एक दबाव रहता है और परिवर्तन का काम जब होने लगता है तो ये मर्द उससे फायदा भी मिलता है। दूसरा है जो घरेलू स्तर पे काम है, जो घरेलू परिवर्तन है वो पहले होता है, सार्वजनिक स्तर पे बाद में होता है। अगर घर के स्तर पे रिश्ते बदले तो बाहर परिवर्तन आसान है। एक बात जो दूसरे लोगों ने भी कहीं पे कहा कि शायद जब परिवर्तन होने लगता है तो लोग एक दूसरे से भी सीखते हैं, एक डिफ्यूजन एक घर से दूसरे घर में, महिलाएं भी अपने पड़ोसी को देखती हैं तो कहती हैं तुम अपने अपने मर्द को कहते हैं कि तुम उसकी तरह क्यों नहीं हो सकते, तो ये पुरुष एक दूसरे के रोल मॉडल होते हैं। और शायद एक स्तर है जहां पे परिवर्तन होने के बाद वो परिवर्तन की कड़ी, जिसको हम थ्रेशोल्ड या कह रहे हैं, उसके बाद कड़ी बढ़ जाती है, लेकिन हर जगह पे परिवर्तन अगेन देयर इज अ रिक्वेस्ट टू स्पीक अ लिटिल बिट इन इंग्लिश, बट द स्पीड ऑफ चेंज और द पेस ऑफ चेंज इट इज नॉट द सेम इन ऑल कम्युनिटीज। कंजर्वेटिव कम्युनिटीज में जहां पे थोड़ा सा वो वहां पे कम है, ट्रेडिशनल जो अधिक पुराने सोच वाले हैं वहां पे थोड़ा इट्स स्लोअर। तो ये दिस वाज एन इंटरेस्टिंग इनसाइट जो लोगों ने कहा। और फिर एक बात है, इट्स नॉट ऑलवेज फॉरवर्ड, परिवर्तन केवल मात्र सामने नहीं जाता, इट इज इसमें कभी कभी कुछ घटनाएं होती हैं जैसे वो फिर लुढ़क के वो पीछे की तरफ भी जा सकती है। सो परिवर्तन को थोड़ा सा पकड़ के रखना जरूरी है, थोड़ा सा जो है अपना टू कीप वन्स पेशेंस ऑन दिस प्रोसेसेस Also important. तो परिवर्तन, this was all about change. फिर हमने पता करने की कोशिश की कि आप परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है, how do you learn? आपको समझ में कैसे आती है कि आपका काम सफल हो रहा है? तो ये बात जो निकली, और यहाँ पे हमने अलग से करने की कोशिश की, three bars
जो गांव में काम करते हैं, जो केवल मात्र अर्बन में काम करते हैं, यस और जो दोनों जगह पे काम कर रहे हैं। और ये निकल रहा है कि अधिकतर जो सामुदायिक संस्थाएं हैं वो कहानियों से, बारीकी से देखने से और सहभागी प्रक्रियाओं से, पार्टिसिपेटरी मेथड्स, वहां से सीखते हैं, जबकि रिसर्च अधिकतर अर्बन ग्रुप में ही दिख रहा है। रिसर्च अर्बन ग्रुप बहुत स्मॉल था, खाली 9 संस्थाएं थी जो अर्बन में काम करती हैं, लेकिन कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप्स का रिसर्च कमजोर है, ये क्लियरली। फिर जो इनडेप्थ इंटरव्यू से निकला, जो देख के सीखते हैं, उन्होंने कहा जो गांव में देखते हैं उसी से हम सीखते हैं, ये बहुत स्पष्ट निकला कि जो काम करने वाले हैं, जो संस्थाएं हैं, वो अपनी परिस्थिति को, कॉन्टेक्स्ट को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और कॉन्टेक्स्ट को जब समझते हैं उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, छोटे छोटे परिवर्तन, शब्दों का इस्तेमाल बदल गया है, रा से री में, बाद में बात कहूंगा हो से री, मैंने थोड़ा इज्जत देके बात हो रही है कि नहीं, किस तरह के संकेत हो रहे हैं, बैठने का तरीका क्या है, सिंबल्स एंड जेस्चर्स एंड लैंग्वेज, इससे जो परिवर्तन को पकड़ते हैं ये उनको एक संकेत देता है कि किस दिशा में जा रहे हैं। सेकेंडली वो अपने गांव के समुदाय से भी पूछते हैं कि तुम लोगों को क्या एहसास हो रहा है, क्योंकि वो अपने बारे में जानते हैं, दे नो द कॉन्टेक्स्ट, दे आर एबल टू इंटरप्रेट द चेंज मच बेटर। फिर एक बात और जो निकली, अधिकतर संस्थाएं किसी न किसी नेटवर्क से जुड़े हैं, 12 संस्थाएं थी जो कोई नेटवर्क से जुड़े नहीं है, जो नेटवर्क से जुड़े हैं वो नेटवर्क के लोग एक दूसरे को भी सिखाते हैं, और जो सीखते हैं वो वापस आके व्हेन दे कम बैक टू देयर एरियाज, एडाप्टिव लर्निंग, वो देखकर समझ के उस ट्रेनिंग को अपने कार्य क्षेत्र में कैसे लगाएं, ये एक क्षमता है, और काम करके उसके बारे में रिफ्लेक्शन, जो दूसरों को, मर्दों को सिखाते हैं, दे ऑल्सो डू एक्शन रिफ्लेक्शन बाय देमसेल्व्स। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च इस्तेमाल कर रहे हैं उन्होंने भी कहा कि वी यूज क्वालिटेटिव ताकि परिवर्तन को हम अच्छी तरह समझ सके। अब ये वाला हिस्सा रिसर्च से जो उभर रहा है उसके बारे में है। नंबर एक जो हमें उभर के दिख रहा है कि मर्दों के साथ काम करना क्यों जरूरी है, व्हाई इज इट नेसेसरी। एक तो क्लियर था कि महिलाओं के साथ जो संस्थाएं काम कर रही, उनको महिलाओं की ओर से भी दबाव निकला था कि पुरुषों से काम करो, क्योंकि महिलाओं के काम को ये मजबूती देता है, ये इसको और ताकत देता है। दूसरा, पावर शिफ्ट जो महिलाओं के काम में, हम लोग जेंडर के काम में महत्वपूर्ण देखते हैं, ये पावर शिफ्ट पुरुषों के काम से भी दिख रहा है, जो पेट्रियार्की पावर को एक्यूमुलेट करता है, यहाँ पे दिख रहा है मर्द भी पावर को डिस्ट्रीब्यूट या कोलैबोरेटिव यूज ऑफ पावर इसमें दिखने को मिलता है। और तीसरा, जो जेंडर सोशल नॉर्म की बात हो रही है, जो सामुदायिक स्तर पे समाज में जो रीति रिवाज है उसको अलग अलग स्तर पे, इको सोशल अप्रोच की बात हमने यहाँ पे की, ये जो चार्ट है उसमें आपको दिखेगा, व्यक्तिगत स्तर से, पारिवारिक स्तर पे, कम्युनिटी स्तर पे, यानी सार्वजनिक स्तर पे, हर जगह पे ये परंपराओं को, रीति रिवाजों को चुनौती देता है और नए दिशा में ले जाने की प्रोत्साहन देता है। अब मैं वापस, इस थोड़ा सा कठिन लग सकता है कि थियोरी ऑफ चेंज, परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है, क्या उभर रहा है। पहली बात तो हम देख रहे हैं कि मर्दों को या लड़कों को हम तीन जगह पे, समुदाय जो संस्थाएं काम कर रही है तीन जगह पे पकड़ते हैं, जो बीच का हिस्सा है, समुदाय के बीच में जब कलेक्टिव के रूप में देखते हैं, घर पे जब व्यक्तिगत के रूप में देखते हैं, या संस्थानों के बीच में जब वो पर्सन इन अथॉरिटी। इनके साथ बाएं हाथ में अगर देखेंगे, अलग अलग तरीकों से हम उनके साथ काम करने की कोशिश करते हैं, कम्युनिटी कैंपेन करते हैं, ग्रुप फॉर्मेशन करते हैं, इत्यादि इत्यादि। और हमारी उम्मीद रहती है कि चार प्रकार के परिवर्तन हो। नंबर एक, उनकी मर्दानगी में नया एक मर्दानगी का स्वरूप निकले, जो आक्रामक हिंसात्मक ना हो, जिसमें पितृसत्ता केंद्रित ना हो। किस तरह के पार्टनर हैं घर में, उनके रिश्ते कैसे हैं, महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ। तीसरा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण, वो किस तरह के नागरिक हैं, वो दूसरे के साथ क्या हो रहा है उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो उस समय उदासीन रहते हैं, उसके बारे में एक्टिव नहीं है, या दे बिकम एक्टिव सिटीजंस। और हम लोगों ने ये जो कांस्टेंट पब्लिक फंक्शनरी के साथ जोड़ने की बात कही, ये इसमें देख रहे हैं। और चौथा है कि नए नेतृत्व, जिस नेतृत्व में सत्ता को आप जकड़ नहीं रखते, सत्ता को आप विकेंद्रित या उसको दूसरों के हित में इस्तेमाल करते हैं।
दूसरा जो परिवर्तन की कड़ी हम देख रहे हैं वो है कि किस तरह आज ने पेट्रियार्कल परिस्थिति से जो हम ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज या जिस तरह के परिवर्तन एकदम आमूलचूल परिवर्तन की बात कर रहे हैं, मूविंग टुवर्ड्स दैट, व्हाट काइंड ऑफ पाथवे हमको दिख रहा है। पहला जो पाथवे में चेंज है वो है कि बेनेवोलेंट यानी कि एक भलाई के नजर से महिलाओं के हित को देखना, और इसमें महिलाओं को थोड़ा सुविधा तो मिलती है और महिलाएं खुश भी होती हैं कि पुरुष हमें सुविधा दे रही है। वहां से जब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं तो वो महिलाओं को मदद तो कर रहे हैं और महिलाओं को भी अपना एक आत्मविश्वास और जगह मिल रही है, और उसके आगे हम जाएंगे तो पुरुष अपने मर्दानगी को, अपने सत्ता को खुद चुनौती देने लगता है, अपना सत्ता जो है दूसरों के हित में इस्तेमाल करता है, महिलाएं और पुरुष इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। लेकिन कभी कभी इस परिस्थिति में पहुंचने से पहले ही पुरुष महिलाओं के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को रोकने भी लगता है, इसको हम पुशबैक कहते हैं। अक्सर हमें पुशबैक दिखता है लेकिन कभी कभी हमको जो है परिवर्तन और ठोस दिशा में जाते हुए भी दिख रहा है। तो हमें पुशबैक को समझना, पुशबैक को रोकना, पुशबैक को कैसे हम उसके खिलाफ कुछ गतिविधि कर सकते हैं, वो पुशबैक पहचानना बहुत जरूरी है। और जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन की जो स्थिति है उसमें आप देखोगे मैंने तीन रंग के इस्तेमाल किए, जो हरा है वो मर्दों के बीच में परिवर्तन होता है, जो नीला है वो मर्द और पुरुष, मर्द और महिला दोनों इकट्ठे काम कर रही है, और जो नीचे का हिस्सा है वो महिलाओं का जो सशक्तिकरण है वो भी बरकरार रहता है। तो घरेलू स्तर पे, बाहर सार्वजनिक स्तर पे, संस्थानों में जो रिश्ते हैं वो बदल जाते हैं और जो सत्ता है वो विकेंद्रित हो जाता है। तो ये एक रास्ता हमको दिख रहा है जो लोगों ने अलग अलग जगह पे इसका विवरण दिया। हम लोग अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन में पहुंच नहीं रहे लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन तक जाने का हमारा प्रयास है। अब इस काम को फैलाया कैसे जाए, नंबर एक, ये मेरा लास्ट स्लाइड है। फैलाने के लिए हमको जो ध्यान में रखना है कि पुरुषों के साथ हम जब काम कर रहे हैं, और किसी भी महिलाओं के साथ भी यही बात हम कह सकते हैं, कि प्रोजेक्ट शायद एक मुद्दे पर शुरू होता है लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि ये रिश्तों पर केंद्रित है, ये लोगों के आपस की जिंदगी के बात है, तो वो परिवर्तन फैल के मल्टी डायमेंशनल हो जाता है। और यहां हम देख रहे हैं कि घर से बाहर और बाहर से सार्वजनिक स्थानों पर ये इसका एक विस्तार हमको दिख रहा है। तीसरा हमको दिख रहा है कि महिलाओं के साथ एक सौहार्द, एक एलाइशिप, एक रिश्ते का भी हमको जो हर जगह पर घर में बाहर हमको देखने को मिलता है। ये महिलाओं के सशक्तिकरण, लड़कियों के सशक्तिकरण का बहुत बहुत सहायक कदम है। ये लड़कों के बीच में, सामान्य लड़कों के बीच में, सामान्य पुरुषों के बीच में नेतृत्व विकास करता है, उनके नेतृत्व का वो बदल जाता है, जो उसकी तरीका जो बदल जाता है। कोविड के दौरान जो हमने देखा उससे उसको जो लगता है ये सस्टेनेबल चेंज भी है। कोविड में आपने काम नहीं किया लेकिन इन्होंने नेतृत्व लेना शुरू किया क्योंकि आदत बन गई थी। और जो हम बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहेंगे कि लोकल संस्थाएं, जो देश के अपनी संस्थाएं जिनको रिसर्च करने का मौका नहीं मिलता है, उनके पास जो सीख है वो उस क्षेत्र से उभरी हुई सीख है, और उनका जो कमिटमेंट है वो सोशल चेंज के प्रति कमिटमेंट है, ना कि प्रोजेक्ट के प्रति कमिटमेंट है। तो वहां पे अगर हम इस तरह के काम को मजबूती देंगे तो वो अपने आप फैलने लगता है। और इस मजबूती को देने के लिए हमें शायद लॉन्ग टर्म सपोर्ट देने की जरूरत है, जो हमको लग रहा है कि टेपरिंग सपोर्ट की जरूरत है, यानी कि प्रोजेक्ट लगातार एक ही रकम के धन से ना चले। जो हमने बाद में देखा एलमनाई ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप को संपर्क बनाए रखने के लिए शायद रिसोर्स कम चाहिए, लेकिन थ्रेशोल्ड तक जाने के लिए जहां पे परिवर्तन बढ़ जाता है, जहां पे जो है डिसरप्टिव चेंज होती है, अगर मैनेजमेंट टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करूं, वहां तक इन्वेस्टमेंट बनाए रखने की जरूरत है। और लास्ट, हम लोगों का जो पॉलिसी इन्फ्लुएंस है, हम लोगों का जो अपस्केलिंग है, वो एक आइडिया को बढ़ा के नहीं है, वो नेटवर्क लर्निंग अप्रोच से है। कई लोग इकट्ठे बैठ के सीखते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं, और फिर काम जो है धीरे धीरे फैलता है। थैंक यू सो मच। इस रिसर्च के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये रिसर्च संभव नहीं होता अगर हमको जो जो हमारे 66 संस्थाएं हैं जो हमारे साथ बैठे थे, जो 16 हमारे साथी थे जिनके साथ लंबी चर्चा हुई, आप लोगों के सहयोग के बिना ये रिसर्च संभव नहीं है। आप ही का काम है और आप ही इस पर प्रतिक्रिया दें। थैंक यू ऑल, थैंक यू प्रमिति, थैंक यू एटी चंद्रा फॉर योर सपोर्ट। ओवर टू यू इनाक्षी।
इनाक्षी जी आप म्यूट हैं. I don't think there's any possibility of my ever being able to even संक्षिप्त में इसको फिर से दोहराना और इस because it's just so you know in depth and wide both very interesting. We will now move on to the the panel discussion where we have discussions. But before that, I mere thode se pointers the which I hope the panelists will take up. One is my thoughts on the perpetrators. So few people work with perpetrators, and yes, we work with people so that they do not become perpetrators. But if they become perpetrators, agar wo करने लग जाते हैं वायलेंस तब उनके साथ क्या करना होगा. एक वो सवाल हमेशा दिमाग में रहता है स्पेशली व्हेन वी वर्क ऑन वायलेंस वी नो नोटिस दैट. सेकेंडली मैंने ये नोटिस किया कि फैमिली बेस्ड वायलेंस पे हम लोग वो लोग हस्तक्षेप नहीं कर पाए. मतलब घर के अंदर घरेलू हिंसा में इधर द इम्पैक्ट वॉज अ लिटिल लेस इफ आई हैव अंडरस्टूड करेक्टली. यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अभिजीत. And this brings me to something that I've always mentioned with my team when we worked on child sexual abuse. We found that we are able, and I'm coming to the leading to another point on this. We found that when we work on abuse and violence, hum log un logo ke saath kaam kar paate hain aur impact kar paate hain jo ki marginalized groups hain. Aur aapke bhi yahan study mein dekha ki most people were working with marginalized groups. We are unable to enter the homes of people who are privileged and who are as much part of the lack of social change or the maintenance of patriarchy and gender-based violence in the way through the structures that exist. Wo utne hi uske bhagidari hain lekin hum un tak nahi pahunch pate hain. And sometimes gender-based violence and discrimination becomes therefore an aspirational move for people who are marginalized. कि जब वो ऊपर संस्था से वो अपने स्तर से ऊपर जाते हैं तो they emulate the behavior of those in a different class. So how do we address that is something I was sort of, these are thoughts that came to my mind as you were talking, Abhijit. Then there was this whole, you've talked of intervention that is leading to attitudinal change, which leads to finally social change. And as you have pointed out, how do you sustain, what is the sustainable social change that we will be able to make, which will stay with us, which will become the new norm over and over a certain amount of time. And I'm hoping that our discussants will dwell on some of these. So I will introduce the discussants one by one. Our first discussant is Ranjini Murthy, who has worked in the field of gender and development for over 33 years with a focus on issues of agriculture, food security, poverty reduction, health, disaster risk reduction, and SDGs. She works with NGOs, UN organizations, and national government. She combines global and regional reviews with field research evaluations in India, Bangladesh, Afghanistan, Nepal, Sri Lanka, Moldova, Sudan, Mozambique, Vietnam, and Cambodia. So she's going to bring to us a global approach on this issue. Welcome to you, Ranjini. If you can show your video, it would be nice. Should I speak in English or Hindi? I'm going to introduce all of the panelists first. And please, if you can do both, it would be lovely. But if you find it hard, then you can speak in one language. Our second panelist today will be Amita Pitre, who is currently working as the gender team lead in Oxfam and has a degree in public health and has more than 17 years of work experience in the field of development, especially gender health, gender equality, public health, gender-based violence. She's a Fulbright scholar. From 2016-2017. And has completed her fellowship in Emory University, Atlanta in June 2017. Our third panelist today is Dr. Nareen Daruwala, who heads
Sneha's Prevention of Violence Against Women and Children program. She holds a doctoral degree in social psychology and has over 2 decades of experience in working with prevention of gender violence. Her expertise is in building models to prevent gender violence in low-income contexts. Noreen's research programs research and program design and scholarship have contributed to the gender-based violence discourse in South Asia. She has also collaborated with agencies such as UNDP, UNFPA, and USAID, and others. And our final panelist today is Deep Purkaista, who is the director of Project in Kolkata. And his area of work focuses on advocating for rights of children and youth. He makes extensive use of art and theater to address a wide range of gender-based violence issues, and also crime and substance abuse amongst boys and young men. He works with children who are in conflict with the law, and that I know. And so welcome to you, all you panelists. I will begin with Ranjini, and it would be nice if you can mix up Hindi, Angrezi, mix karke bol sakte to bahut badhiya. Agar nahi kar sakte to Angrezi mein boliye. थैंक यू सो मच इनाक्षी और सबको शुक्रिया CHSJ एंड द 66 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हु बीन इन्वॉल्वड इन द स्टडी सबके लिए बहुत शुक्रिया आज मैं डिस्कस करूंगी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स एंड रंजनी कैन यू हैव योर वीडियो ऑन इट जस्ट मेक्स इट अ लिटिल बिट मोर नो आई कैन नॉट रीड माय लैपटॉप एंड सी ओह ओके थैंक ओके फाइन फाइन I don't have a printout. I just want to say I'm going to comment on the theoretical findings, framework, and the findings and the ways forward. Pehla ye hai ki ye study COVID ke time par kiya hai. Ye bahut it is something very amazing that this study could happen during COVID. I think it's perhaps the first such study of its kind to document strategies being adopted to work with men and boys on GBV. ये पहला study लगता है कि strategies सबको document करते हुए India में, भारत में, और ये जो और इन्होंने जो masculinity capture किया है, एक है hegemonic masculinity और नॉन डोमिनेंट जैसा ट्राइबल मैस्कुलिनिटी दलित मैस्कुलिनिटी ये सब मिलाकर जैसा इनाक्षी ने बताया ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के द्वारा हुआ है द हेगमोनिक मे बी इनसाइड द फैमिली बट आउटसाइड दे आर द मार्जिनलाइज्ड दे आर एग्जिबिटिंग अदर फॉर्म्स ऑफ मैस्कुलिनिटी आई जस्ट वॉन्ट टू से आई ऑल्सो लाइक हाउ देव लिंक्ड अप्रोचेस टू वुमेन्स डेवलपमेंट BID, BAD, GAD, and work with women and boys, and the distinction between violence against women and gender-based violence. Like they've said, gender-based violence is not just violence against women, but also violence when people break the gender norms. So it includes against LGBTIQ or even women who break gender norms. So that is something very nuanced definition which they put forward shifting from discrimination to transformative approaches and defining change at personal household family community public so it appear unstate so it appears that more change from the study has happened at the personal and family level than the community norm shifting or changes in government policy. One could add markets, not much change seemed to have happened in the market or, harassment at workplace and things like that. So, jo study se nikal kar aaya hai, ek hai ki ghar ka kaam mein madad karne lage, better relations, domestic violence thoda reduce hua hai, public violence, और इनफर्टिलिटी का थोड़ा एक्सेप्टेंस आया है ये महिलाओं के इट्स नॉट अ वुमन हुज टू बी ब्लेम्ड या
एंड वुमेन एंटरिंग टेम्पल. सो ये सब जो बदलाव आया है, जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, अच्छा निकलता है कि पुरुष के साथ क्यों काम करना चाहिए. वेर आई फील ओके, देर इज ऑल्सो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स इन इंडिया विच कुड बी स्ट्रेंथन्ड परहैप्स बाई लुकिंग एट independence period and tracking from there what have been the movement around gender-based violence. So some of the concerns, yeah, today we are living in a context which is right-wing, many states. And so does the context make a difference? What is it in Tamil Nadu versus a state where it is ruled by BJP? Are the challenges more? So that is something to be explored, and if the findings could be throw some light on that, that will be nice. Duration of the interventions, in what is possible in 2-3 years, what is possible when the organizations has been working for a long time, headed by women, rights based organization versus non rights based. I also feel that when we talk of working with women, with men and boys, we need to look not only at patriarchy, but hierarchy, multiple hierarchies and intersectionality. I think that change was not documented. Have caste norms changed? Are they sitting together? Is the attitude towards intercaste marriage changed? So this kind of capturing change, which is not just gender, but it's important for gender transformative approach and addressing GBV. Now, I also feel NFHS data showing masculinity, sirf purush ka soch nahi hai, mahilaon ka bhi hota hai. So how is the theory of change engaging with that? Just by working with men and you're making women as perpetual victims. So they wear different hats, different identities. Sometimes they are survivors of violence. Sometimes they perpetuate as well. I think that has to be built more clearly. And the other thing is right holders and duty bearers. So we need to engage with the men and boys. You know, they are in the context of GBV, neither rights holder nor duty bearers, but as right holder with the women's groups, and duty bearers, police, some engagement has been there. So document the changes in the duty bearers more systematically, what structures have worked, what has not worked. And the life skill integration, I think you have mentioned somewhere that this has been integrated into that through schools, etc. But we still are battling the age of the consent whole thing. So the larger policy context needs to be influenced. And you had formed different tiers of working with men and boys. I think we need to say that some are retrogressive. That is, for example, the men organizing themselves against dowry, for example. Some are benevolent and their own problems, no substance use. Some are focusing on women's rights, but why? How do we reach the point where men and boys and women and girls focus on human rights? So this is another challenge. And sustainability of these initiatives. And, the challenge is to stop every human being from exercising power over others, exercising power over their lives, collective power, power within. Whatever be the context, life is like a river. Today you are in this spot, tomorrow you are in another spot. Every spot are you exercising power over somebody, some other caste, some woman, some tribe. I think this is the challenge we have to move to create good citizens. I think there is a need to study also what is happening in other South Asian countries. I would just like to say vis-a-vis your study, make a policy brief and say what are the implications for government policy. Government has got the Siksham
youth policies. Government now is talking about what gender sensitization of men, but push them to having a program with men and boys. Yeah. I also feel push your knowledge into NIRD so that their trainings focus on working with men and boys. Weaving in within the training of women's groups, like the Women Development Corporation, they do training for women's group on working with men and boys. Convergence committees need to be pushed of women's group, men's group, VHND, school management committee, etc. We need a process of change, of social transformation, where masculinity and all kind of hierarchies are challenged by men and by women. Thank you. Inakshi, you're muted. Sorry. Thank you so much, Ranjini. You've raised a whole range of issues that I think are absolutely critical. But to my mind, that one that sticks is the question: does this social change initiative lead to structural changes in other areas? क्या वो कास्ट रिलेशन बदलता है, क्या सिर्फ जेंडर नहीं, कास्ट जेंडर को लेके देते हुए, क्लास, रिलीजियस, डज इट रिड्यूस द गैप्स इन रिलीजियंस, आई मीन ऑल काइंड्स ऑफ अदर सोशल चेंजेस, इज इट फैसिलिटेटिंग दैट, इज इट मेकिंग अ पाथवे फॉर इट, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट स्टेज विद मी अमंगस्ट ऑल द अदर्स दैट यू रेज. कैन आई नाउ आस्क अमिता टू कम इन प्लीज? Amita, over to you. Thank you so much, Inakshi. How long do I have? I couldn't help get you. 10 minutes. 10 minutes. Okay, that's more. Okay, thank you very much. This was very interesting. And the findings and the research itself, and also Ranjini's comments on it. So from where I'm going to come here is that Oxfam had a very similar program. So I was with the gender justice team in Oxfam India, and we also actually worked with CHSJ to, you know, facilitate Samanta Sathis in the community. In 5 states, we had a very similar program, and 3 of our evaluation reports have also come in. So I'm going to come in from there to see where I felt that the findings resonated a lot, and where we felt that we wanted to ask some of these questions. So one thing I felt that resonates very much is that it has been more difficult to work with men. It has been very rewarding, especially the immediate reward of a lot of vibrancy in the program, a lot of participation, a lot of energy we see very readily when young men and boys are involved in the program. But it has always been more difficult. Little older men, it has always been more difficult to collectivize them, to have groups. Migrant workers have been particularly difficult. So in some ways, I feel that the experiences of the most marginalized, I don't know if we at all end up capturing them in, or, you know, being able to work with these communities, though there is, we made an attempt certainly. And also I know that almost all groups try and do that, but sometimes I feel the intersectionality perspective also slips through. What is it for the most marginalized caste, poorest of the communities? I don't know how far their experiences come in, and it has certainly been much more difficult to work with men and boys. Something similar has come out of here. The other thing I also resonated with our findings was that we saw that a lot of the change came at the family level. So it looks, and so as a first bastion of where women want change to be seen, and where this whole most organizations are working with women for women's leadership and preventing violence against women. So in that sense, that everybody, those who are you know, actually facilitating the program, those who are participants, everybody wants to see change first at the family level. But how good have we been to move out of the family and into the community and society level has always been a question. In fact, we had some good experiences. You know, in some panchayats, there was
there were resolutions passed about we will have equal pay for equal jobs, especially across genders. Then we had some colleges which took up systematically issues of sexual harassment at workplace. But what has always stayed with me is sometimes we have a lot of these anecdotal experiences of change which come across, and they are captured well, captured qualitatively, but how good are we at capturing changes in social norms, to say? Like, can we even say, like, you know, that the norm of girls attending school has, you know, generally been strengthened? Can we say that more and more girls going to secondary school, for example, is considered the norm? Or can we even say that age of marriage has increased? Or what is it that we can say is a collective change which has happened, which is not necessarily a collective of anecdotes? I think there are methodological issues also here. And it's also that this change is quite difficult and therefore happens in different ways, in different families, in different groups of young people. So that is something I would really want us collectively to come together and see. And how does a change at the institutional level look like? How does change at the larger society level looks like? Something else I found most challenging is that it is very easy to get a narrative of equality when people have got certain kind of inputs, but the really difficult bastions seem to be talking about dowry and property rights. And not only do we not have such a, you know, good narrative, good convincing arguments to place over there, the people at the community are genuinely confused about how property rights will work out. What happens when the girl gets property? How will she manage the property? What when marriage happens? What when the girl divorces? When we want all of this to be rights? And then we found girls coming forward and asking, why should we forfeit dowry? So I think those are the really difficult questions which need be really. Also the issue of sexuality, and when we see men supporting daughters and men supporting generally young people, how far have we been able to, you know, talk about sexuality and age of consent and elopement? These issues have come in very often from the communities. That is something. The other thing is, how long does it really take for change to happen and for change to sustain? It would be really interesting to, if we are able to say that at least you need to work consistently for 10 years, or you need to have these processes in place. And what do we even mean when we say that change needs to sustain? Is it something that needs to be embedded in the institutional learnings, like in college courses and in different ways? Something else also which Enakshi brought out is that, are we only good at working with those who really have no option to say no when we actually visit communities, the most marginalized, and what happens to all these professionals? And really, sometimes you feel that the prejudice is most institutionalized among the educated, the highly educated, and the professionals. And how are we at all able to touch them? We do need a prospective study, I feel, to see how change has happened and how far it has sustained. Those are the top line. Okay, something interesting I found was the rural-urban divide. Now, we know that a lot more work has happened in rural areas than in urban areas. But I would really like to know from the study, because those numbers were really not showing very clearly that urban has done poorly, poorer than the rural, maybe only in comparison. So it would be good to know where this work happened, what was the experience. Even like Enakshi, you mentioned work with perpetrators. Those are the really difficult bastions, in the sense, I think a lot more work needs to be done with community organizations to first acknowledge that we need to put in our energies over there as well. I think not so much of that has happened. Then when we see a lot of change that has happened, how do we attribute that change to this particular section? Like, there's a lot of change happening. मुझे लगता है मैं काफी इंग्लिश में ही मैंने बात किया गलती से, पर मुझे लगता है कि ये भी चीजें इम्पोर्टेंट है कि जब हम बहुत सारी बात करते हैं, हम महिलाओं के साथ उनकी लीडरशिप के बारे में बात करते हैं, हम बाकी एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, तो हमारे इस काम में से पुरुषों के साथ जो हमने काम किया उसमें से क्या चीजें हम कह सकते हैं बदलाव हुआ उस वजह से, इसके बारे में भी थोड़ा हम अगर सोच सके तो बहुत अच्छा रहेगा. बस इतना बोल के मैं अपनी बात रखती हूँ, एंड मोर मे बी लेटर. Thank you.
थैंक यू अमिता, आपने जो एक बात कही बहुत अगेन टॉप लाइन द टेक अवे दैट आई हैव इज व्हाट इज द कलेक्टिव चेंज. आपने कहा ये सामूहिक बदलाव क्या आया है, वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर हो या सामाजिक लेवल पर हो, पर लेकिन सामूहिक जो है जो सस्टेन कर पाएगा वो क्या रहा है और वो उसके लिए कितना समय लगता है और उसको बनाए बजाए रखने के लिए भी कितना, व्हाट कैन वी डू टू इंश्योर दैट इट इज सस्टेन्ड. द अदर पॉइंट दैट यू मेड एंड व्हिच इज समथिंग दैट आई हैव बीन व्हिच हैज बीन रियली बॉदरिंग मी इज द रोल ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन नाउ टुडे इन एक्चुअली रिटेनिंग द पेट्रियार्कल नॉर्म्स. वो वही पूरे पितृसत्ता के जो सिंबल्स हैं उसको अपनाते हैं ये कहते हुए कि ये हमारा चॉइस है. सो नाउ दे आर सेइंग इट इज आवर चॉइस. सो वेदर इट इज डाउरी और इट इज वेदर इट इज सर्टन फेस्टिवल्स, वेदर इट इज फास्ट, वेदर इट इज द वे दे ड्रेस, वेदर इट इज द फैक्ट दैट दे से हम काम नहीं करेंगे, हम ये करेंगे, यू नो वट एवर स्पेसेस दैट वर वंस क्रिएटेड, दे आर सेइंग दैट दिस स्पेस इज नाउ our choice, but we will, you know, even in terms of property, the signing away of property that they will do. So these are difficult questions that need to be addressed. So what is the role of women in retaining patriarchy and perpetuating that norm? With that note, I notice Nairine has joined. Nairine, would you, are you okay to jump in immediately? Maybe give me 5 minutes. In which case, I will ask Deep to come in. Deep, if you can come in, you have 10 minutes, Deep. I see Ravi Verma has also joined in. I'm sure he would have something to say. Well, thank you, Naksh. Okay, thank you, Inakshi. I think... let me first say that this was a long awaited document, and for a lot of people like me who would like to take this work forward, I think all of this put together in one place has been, I think it's been going to be a path-breaking document. And sometimes there are these documents which make us who work on the ground think and restructure ourselves. I think this is going to be one of that. And so linking to that, I think what this document actually brings up is further need for evidence building. For example, I totally agree, especially with the experience of our own programs, ki, when there are women parallelly as part of a program and the changes that happen actually influence the men. Hamara jo case tha ki hum kabaddi ke istemal kar rahe the ladkiyon ke saath, in a lot of backward districts, or this somehow had a link with there was a bridge with the fathers, or kaise jo pita hai parivar mein wo kaise fir they changed and they negotiated for like in the case of a girl where he negotiated for postponement of the marriage. So he actually took the prospective groom's family to one of the an Adina is an archaeological site in Malda nearby, and they had a picnic, and there he broached the topic saying that we are not cancelling this, but I want my daughter to get into the district kabaddi team and etc. She is not yet 18, let her establish herself and we'll go ahead with this. So ye jo changes jo hai jo ki fathers mein ho raha hai, brothers mein ho raha hai, this has been documented, and I think it was this is very, very valuable that, of how empowerment of women can actually influence this in among men in the family. But iska aur evidence, hume lagta hai ki, we need to have more evidence about what is the process. It's not enough to say that, the girls negotiate something or the girls go and talk about what they learned in their group education forums. And this happens. I think much more is at work, and usko bhi iska bhi ek reflection hona chahiye. Number two, I think is I know perhaps now it might not be so easy to get all that in,
you know, but about male workers, about men workers who work on this field, especially working with men and boys. I have noticed a lot of our animators and volunteers and staff members over time feel very isolated. There is a lot of loss of friendship and social networks, etc. और जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो किसी गांव में या किसी स्लम में अगर ये हमारा एक सक्सेस है कि हम एक दो तीन यंग लड़के जो है या यंग मेन जो है उनको हम मोटिवेट कर सके हैं टू यू नो कैरी ऑन दिस वर्क नो बट दैट अटेंडेंट प्रेशर दैट आइसोलेशन दैट यू नो द लैक ऑफ सपोर्ट दिस बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आई हैव सीन सो मेनी पीपल एक्चुअली विथड्रॉ फ्रॉम व्हाट दे आर डूइंग बिकॉज ऑफ दिस एंटायर यू नो फीलिंग ऑफ बीइंग अलोन एंड इट्स नॉट एवरीबॉडी हु कैन टेक दैट कंटिन्यूअस प्रेशर जैसे कि आई अग्री दैट इन समटाइम्स द चेंज हैज बीन ईजियर इन रूरल एरियाज बट हमारा जो एक्सपीरियंस है कि रूरल एरियाज में जब फैमिलीज में थोड़ा चेंजेस हो रहा है तो there is also about there is something that automatically happens when you know some of the girls and the men and the boys try to effect certain changes in the community and for example in the Bengal context they come into huge conflict with the local clubs many of you will know ki ye clubs the club network in West Bengal is a very strong you know social and political network a lot of political power is you know is claimed through clubs in the communities and is redistributed within through the clubs to ye jo ek status quo jo clubs represent karte hain to iska jab challenge hota hai and other spaces are taken up these new groups of men and women start taking up spaces to this becomes a very tough thing to negotiate and this is where that isolation and other things come because it's always minute like deep, one minute deep one second kya main aap logon ko agreh kar sakti hu ki apne aap ko mute kar lijiye please agar aap ne to action india can you please mute the mic And someone please ask people who are not muted to mute themselves because bahut disturbance ho rahi hai when Deep is talking. Carry on, Deep. Sorry. Yeah. So what I was saying was basically that this then becomes a little bit of you know even more difficult. The isolation I was talking about that somehow needs to be as part of sustainability, a part of implementation of this program. That somehow needs to be documented somewhere. Ki how are men actually who may call themselves feminist how are they actually fighting it out in their own personal lives it's very true that it's the marginalized masculinities and the subordinate masculinities maybe are the ones are the areas jahan pe hum jyada mobilize kar rahe hain but also in rural areas I have a little bit of a different experience is that kabhi kabhi we have been able to tap into the more dominant sections of rural areas through younger people the dominant communities there ye koi socha samjha strategy nahi tha ye just ho gaya lekin we have seen that if actually in some way we have allies in at least even some families who are dominant in that particular area and who are subscribing to this change sometimes this the pressure that is sometimes faced the pushback that Abhijita was talking about that happens can be countered so that has been our experience in some of the rural areas ki jahan pe hum ye counter kar sake hain aur I think the perpetrators ke bare mein I think a lot has been said Inakshi herself has said so many other people have been saying this I think it's a long way to go we are working also with boys who are in conflict with law who are in offending situations this is not something that we've started for a long time especially around
restorative justice and using restorative circles with these boys, and it's a tough thing. But I think there are important understandings that are happening. This, of course, this is not the forum there to further elaborate on it. But I think this focus on the perpetrators needs also to happen, and also in what, how are we focusing on that? That will become important. Maybe things like restorative justice, things like diversion and etc. will gain more currency when we talk about this. I say this because as an organization, हम लोग एक cusp पे हैं gender. We consider ourselves a feminist organization, so gender or child rights के cusp में हम काम कर रहे हैं. तो sometimes there are conflicting issues also about what should be done, what should be not done, etc. So ये भी एक अलग सा challenge है, जैसे कि organizations like us who bring us bring to the table for this. So thank you, Enakshi. I think I will conclude there. Thank you, Deep. There are certain comments in the chat, some of which are very important and are questions, and I'm going to put them out so that we have them in our minds as we move. And if Noreen can address some of them in her intervention, I would be very happy. So Ranjini says, change at the community level also requires scale of operation. Do these organizations work with few or entire village and low-income urban habitat? This is something for you to answer, Abhijit, after the panelists finish, the discussants finish with their interventions. Sunita Singh says, when you say family level changes, what do you mean? How did these changes... How did you measure these changes? Secondly, her concern is that these individual level changes can be are individual level changes and momentary. In order to see long-term change at the family level, the intervention should be longer and sustained. This is something even the discussants have raised. Asha Ramesh has said, I think it is also important to understand that practical need changes are much easier to bring about rather than the strategic change. Therefore, the anecdotal changes that one documents from the families, communities is important. For strategic changes, collective action is required, for example, wage parity, etc. Also, my concern is, and this is something, again, labor was an issue that was raised. Also, my concern is that there is so much emphasis applied on quantitative data, which I do not discount. However, on issues of gender-based violence, even the minimalistic qualitative change is important. And then Sudakshina says, many times protective approach of men and boys is perceived as care towards women. Example, asking a woman not to step out at night as the area is not safe. Through this, men place themselves in a place of authority. So when there is a thin line that divides caring and protection and exercise of authority, so when does it translate? And I think it's a very important point that Sudakshina is raising. How can we address these issues? And finally, Ranjana says, oh, that is an answer to Sunita. Okay. Thank you. Can I ask now, Noreen? Noreen, would you like to come in now? Sure. Can you hear me? Yes, we can. Hi, hi. Hello, everyone. Very happy to be here. And sorry, I joined a bit later. So my first response to the report is, I think we don't have enough, and this is one report which really captures the work across so many organizations. So it is a great feat to be able to get so many organizations together and kind of talk about interventions with men. As my previous speaker said, of course the evidence is not enough, and I honestly feel that if we want to build this evidence, one aspect is when we speak to NGOs, most of the time the information remains very anecdotal.
So it remains that, yeah, you know, we did it in this area. I mean, I would do the same. If I have to think about interventions on men, it would be anecdotal. So I think one thing that comes to my mind is how far, when we talk about interventions with men, are we really achieving the objectives of change and, you know, gender transformation is one question. Because most often in my world, what I feel with, you know, as we reach out to women on a larger scale, with men, it is very difficult to reach out on a larger scale. So that's my point. But the second point I wanted to make is we really don't know what works with men. Of course, we know that if we continuously provide counseling or we work on gender transformation, it brings about a change. I would like to propose to the group that if we can look at change in three dimensions, and the change would be, what is the immediate change? So when we say immediate, we have a time frame of, say, a year or so, where we say that once the NGO interventions have begun, what are the immediate changes that you see with men? Participation increasing, men wanting to know more about personal issues, GBV issues. That could be one. Second would be intermediate. We all know that even change with women is so difficult. So intermediate indicators could be more on the pathway to gender transformation. What is it that men have now understood? Probably their gender roles have changed in their household. They are much more inclusive of decision making and these. And then a long term change could be seen in terms of how the man has truly transformed, and he is now not only, you know, looking at equal relationships in a family, but he is also contributing a lot to the society. So to me, I think, yes, of course, NGOs do this work. To me, I think if we can, at some point of time, the study can look at immediate, intermediate, and long-term indicators, or develop a theory of change. And in that theory, we can, you know, kind of look at, that's what we have done for our projects on community mobilization. And building the theory of change through understanding what change means to men, to other stakeholders, to women, I think that might bring us more closer to evaluation of men's work. And the other thing which we have used in our work is, when we work with men, we generally interview the other family members. So we interview the wife or the child or the other family members, so that we understand whether that change is happening or not. So it's a great achievement, and I think as NGOs, we can, congratulations, Abhijit, and we can really build on this work with other NGOs to see how an evaluation framework at some point can be created, not really completely quantitative, but somewhere that it gives us a direction. Thank you very much. Thank you so much, Noreen. That was quick, and you have pushed that for an evaluation framework. Noreen keh rahi hai ki hamare paas ek framework क्या हम डेवलप कर सकते हैं ऐसी इस ऐसे इंटरवेंशंस की इम्पैक्ट को देखने के लिए. सवाल आए हुए हैं. मैं अभिजीत आपको, हम थोड़ा टाइम है हमारे पास, तो मैं 10 मिनट देना चाहती हूँ अभिजीत आपको टू एक्चुअली आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस, एंड देयर इज आल्सो अ फ्यू हैंड्स रेज्ड क्विकली, एंड आल्सो लुक एट द वंस दैट आर ऑन द चैट. Abhijit, Sandhya, anyone from the CHSJ team who would like to address? Okay, so Abhijit has come on. So first and foremost is, this is a collection of information about other organizations. So it's the level of detail that we have is limited, because
it was conducted on, so we don't have any primary data. So there is no primary data of what is happening in the field. This study is based on the perceptions and what the people have written. So if they, you know, if there is any internal validity issue, it is the validity which happens from the qualitative and the quantitative. They seem to talk the same language. So that is the validity. What changes take place? We don't have the data because this is what people have reported to us. So let us say in a 2-hour interview, we have a limitation of how much probing was possible. And we never tried to, this is more, you know, we've put it in greater detail in the written report. We did not check to say whether it is true or false. We are taking our respondents at face value. So you could call it the strength of the report or the weakness of the report. So it is a perception-based report. And this is not an information about individuals talking about themselves. It is about organizations talking about their work. So what they have reached out to communities, what they have seen in their communities. So these are methodological issues that cannot be answered through this particular study. What this study does is it has pooled together a whole range of experiences. There are two sort of frames. One is the 66 frame, which is the frame of the quantitative. And then there is the 16 frame, which is the frame of the qualitative, which tries to answer some of those same questions which were in the quantitative in greater detail. So I think that has to be understood, that this study is a state of the work of other organizations. Some of these questions I can answer based on my own work, but I will not give those answers because that is not fair to this particular study. So some of those questions we cannot answer. Yes, we did not go into, you know, more of, let us say, perpetrator management because, you know, again, there's an issue of, as people said, restorative or punitive, but one of our sort of respondents, which we have reported in the written report, is talking about the fact that have to move from punitive to restorative. And even in that framework, the two organizations that we talk to who work on violence crisis response centers, they felt that talking to the men was important because building the relationship was important back. You know, when a woman who comes into the crisis response center having suffered, she wants to go back to her life. She wants her problem to be solved. And oftentimes the problem gets solved when the person who is the problem is brought into the solution space. So that has been mentioned by respondents as being part of the reason why they involved men and boys. Now let us, you know, there was a question, there was a point whether this is momentary change and whether, you know, which is to link to what Naren was talking about, intermediate change and, you know, immediate change. I think there is a difference. There is, there are things, if you look at the theory of change that we proposed, the change which allows men to adopt a benevolent sort of role in which women are benefiting, that is easy to achieve. The point is, if we stop there, we are neither doing women's empowerment and nor are we helping men to challenge patriarchy. So it has to move from there. That is a comfortable space. Within patriarchy, men are getting to wield power of benevolence. Women are getting advantages. You know, there is this old story of Rabindranath Tagore, of the gilded tota, who is inside a golden cage and loves it. So the point is, when it moves towards substantive empowerment of women, how do men respond? Are men responding through a critical analysis, which is in that theory of change, was the next stage of movement, where women's empowerment is reciprocated by men doing critical reflection. And I think the point that was raised in the study is that after women's empowerment has been happening for some time, if work with men and boys starts, then men and boys who were possibly being pushed into that critical space, they get a clarity of how they can move forward. Because in the current patriarchal framework, they do not have clarity of what next. Protest karna to aa jata hai, but changing themselves, they do not have role models.
one of the things that which emerges is that how men have acted as role models for each other. So my Abhijit, perhaps this is where also the issue that Deep raised of some jo karyakarta hai, the people who feel very isolated and alone. Absolutely. Comes in. Because they are not a community. And one of the things, of course, from this study is that, as I said, 66, may say 54 are part of networks. That's there in the written report, the large list of networks people are part of. So I think for the community, a peer group is the men's group, which almost all organizations said they're doing community groups. For the organizations, that network, which becomes a space where the point of Deep's isolation and frustration comes in, and also a learning space. Because what has happened and what is coming through is many, many, many people said that they learned from their mentors. And that mentor is actually coming from that networked learning space that people have. So the issue of scale, you know, there was a question whether these organizations are working even in rural communities to scale. I think the scale depends on the amount of funds that are available. That is number one. And the number two is organizations' capacity to manage. The more managerial we become, and this is it's a dilemma. The more managerial we become, the less connected we are to the community. The less connected we are to the community, the less we have intrinsic knowledge of context. Then we have person coming from place X to do work in place Y, and there is no connection with what masculinities and relationships play out in its innate patriarchal space. You know, because today relationships are being transacted in a particular way, which is patriarchal. If they need to be changed to something which is more respectful, the outsider eye cannot pick it up. And even though we often do formative research in the more, let us say, quantitative work, we do not refer enough to anthropological studies. We do not refer enough to social anthropology. We do not have enough social anthropology discipline about micro realities of the country. So that is innate knowledge. And if you're going to change relationships, if you're going to change masculinities, if you're going to repair the relationship within communities, because we have to repair it, we have to redo it, we have to transform it, we need to know what is happening. And I think there's a value in that embedded learning, which happens through community-based practitioners, where scale automatically becomes a bit of a... becomes low because it gives you that depth. I'm probably not answering straight away, but this is some of the insights through this particular. I think we can have the a lot of this can be again brought back when we have come back to Appenary. But in the meantime, I think we need to break into groups. That's what the program says, with a certain set of questions that need to be addressed. So can I ask Shriti to come in? Shriti? Yes, thank you, Nakshi. Yeah, I will just... I know Action India has been raising its their hand, but we will take... wo hum wapas aate hain to fir shayad wo sawal aapke group se wapas hamare paas plenary mein aa sakta hai. Shriti. Thank you. So abhi hum groups mein divide ho jayenge. Can you put on your video, Shriti? Yes. Ji. ओके सो अभी हम सब छोटे ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे एंड जो ग्रुप से हमने वो ऑलरेडी अलॉट कर दिया है सो दैट इट्स जस्ट इजियर टू यू नो जस्ट ईच ऑफ अस विल जस्ट बी ट्रांसफर्ड. मैं बस यहाँ क्वेश्चंस आपको एक बार पढ़ के सुना देती हूँ. आपको स्क्रीन में डाल देने से अच्छा रहेगा. Can you see my? Can you see the questions? आपके स्क्रीन का सारे मतलब हाँ अब हो गया ठीक है. Okay. So the first question is, gender बराबरी के क्षेत्र में पुरुषों और लड़कों के साथ काम की भूमिका क्या दिख रही है? इस तरह के काम को भविष्य में कैसे जोड़ना चाहिए? किस तरह की सावधानी बरतना जरूरी है? What role do you see for work with men and boys in interventions aimed towards gender equality in the future?
what kind of caution would be necessary for this kind of work? ये पहला सवाल है. Second question is अध्ययन से पुरुष और लड़कों के साथ काम करने का एक परिवर्तन का प्रक्रिया जो हम थ्योरी ऑफ चेंज की बात कर रहे थे प्रस्तावित किया गया है. आपके अपने काम को ध्यान में रखते हुए आपको यह परिवर्तन की प्रक्रिया कितना व्यवहारिक लगता है? आपको अपने काम को अधिक मजबूत करने के लिए क्या कोई नए संकेत या दिशा मिल रहा है? This study has proposed a theory of change in the context of your own work. How relevant do you find this theory of change? Does this theory of change provide you any new ideas to strengthen your work? तीसरा सवाल है, इस अध्ययन ने पुरुष और लड़कों के साथ सामुदायिक स्तर पर काम करने वाली संस्थाओं के सीखने के तरीकों पर रोशनी डाली है. आपके अनुसार सामुदायिक स्तर पर काम करने वाली संस्थाएं अपने काम की सफलता को अधिक प्रभावी रूप से कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं और इसके लिए किस तरह के सिखाने के तरीके अपनाए या विकसित किया जा सकता है? This study has identified some learning mechanisms that are used by community-based organizations. How can community-based organizations make their monitoring and learning mechanisms more effective? Do you have any suggestions of any new modes or methods that can be used or developed? तो ये तीन सवाल है. अभी हम आप लोगों को automatic ये groups में shift किए जाएंगे and one question only you have to answer. Each of the groups will get just one question. So I think we'll just make the groups. We all are back after the discussion in small groups. Group में चर्चा के बाद सभी लोग वापस आ गए हैं. तो हर group से request है कि वो अपनी चर्चा के बाद जो points निकल के आए हैं please share करना शुरू कीजिए. और please be brief and to the point ताकि हम सभी चर्चाओं पे बात करने के बाद open discussions भी कर सकें. तो group number one. ग्रुप नंबर वन से कौन करेगा? जी फाइव मिनट्स. ओके, इनाक्षी जी कह रही है टाइम को ध्यान में रखते हैं, 5 मिनट हर ग्रुप से देंगे. ग्रुप कोई बताएंगे ग्रुप नंबर वन से कौन करेगा? नहीं तो हमारे ग्रुप फाइव के शायद तैयार है तो हम ग्रुप फाइव से स्टार्ट कर देंगे. हम कौन से ग्रुप में थे? महेंद्र जी फैसिलिटेटर को बताना चाहिए. फैसिलिटेटर कौन पूछ रहे हैं? यस सरोज जी, ग्रुप नंबर फर्स्ट में ही थे आप. ग्रुप क्या दो में थे भाई? है सतीश सर ग्रुप टू. कौन? आप ग्रुप टू में थे. मैं दो में था लेकिन कौन पूछ रहा है? सरोज जी ग्रुप नंबर वन में है. ठीक है महिन भाई, तो आप बता दीजिए प्लीज. नहीं नहीं सर, मैं शुरू कर देती हूँ. वन में है तो मैं शुरू करती हूँ मैम. बिल्कुल शुरू कीजिए सरोज जी. हमारे ग्रुप में हम 5 लोग रहे हैं मैम. सोमाली जी हैं, महेंद्र कुमार जी हैं, ज्ञानवती जी हैं, प्रवेश वर्मा जी हैं. तो हम लोग का जो मेन रहा मैम सबसे ज्यादा ये कि जिन लोगों के साथ काम करते हैं ना उनके साथ बदलाव लाएंगे जो पहले ऑलरेडी कर रहे हैं. तो इसमें जो मेन मुद्दे जिस तरह से आए हैं वो है कि छोटे छोटे बदलाव तो हमने देखे हैं. सभी अपने अपने फील्ड में काम किए हैं तो सबने छोटे छोटे बदलाव, लेकिन बड़े बदलावों की बहुत जरूरत है. इसमें जैसे मेन रूप से आया दहेज प्रथा वाला है. कुछ फैसले हुए लेकिन बहुत बड़ा है, अभी भी बहुत चैलेंज है. घर के फैसले हैं उनमें भी अभी बहुत बदलाव की जरूरत है, जो घर के कामों में बात करनी है या बड़े फैसले लेने हैं. फिर बच्चों के साथ में जो इंटरकास्ट मैरिज जिस तरह से बच्चे, तो वो अभी तक एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई एक्सेप्ट नहीं करे फैमिली के, तो वो भी. फिर जाति धर्म के नाम पे भी काफी बदलाव की जरूरत है, जो एक मंच पे कोई आना ही नहीं चाहता और राजनीति आने भी नहीं देना चाहती. कोई भी कार्य हो उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए जो हम काम कर रहे हैं. नेशनल स्तर पे एक ग्रुप बने, राष्ट्रीय स्तर का एक आंदोलन के तरीके से ग्रुप बने और एक शेयर ग्रुप भी बने, जो जो फील्ड में जो जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं वहां वो शेयर हो और जो इम्पैक्ट दिखे हैं उसका एक जो ऐसा डाटा भी तैयार हो और वो लेखन तैयार होके सबको डिस्ट्रीब्यूट हो. छोटे छोटे बदलाव भी अपने आप में बदलाव है. लेकिन जो लोगों ने काम, बड़े ग्रुप नहीं जुड़ रहे, बड़े स्तर के लोग नहीं जुड़ रहे, लेकिन छोटे छोटे जो बदलाव पुरुषों में लड़कों में आए हैं वो दूसरों के साथ
उस बदलाव को शेयर करें या हम स्टोरी के माध्यम से शेयर करें, तो ये एक बड़ी चीज रही। तीसरा, इसमें जो बहुत आज के 5-7 साल पहले का अर्थ था कि एडवोकेसी के माध्यम से बहुत कुछ बदलता था, लेकिन इस टाइम पे जो एनजीओ क्षेत्र में एडवोकेसी वाला जो मुद्दा कहीं कहीं गौण होता जा रहा है, हम एक मंच में नहीं आ रहे हैं। हमारा एकता जो संगठनों की थी, वो जो एक वक्त था जब अमेंडमेंट होते थे, संविधान में संशोधन होते थे, लेकिन इस टाइम पे सारे ग्रुप ऐसे हो गए हैं या डर गए हैं या कुछ रिश्ते ऐसे आपस में कुछ ऐसी स्थितियां होगी, सरकारों के अपने दखल हो गए, तो हम इस तरह की स्थिति नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको भी स्ट्रोंग करने की जरूरत है। और इसके अलावा जो एक राष्ट्रीय जो पर्व बनते हैं, जैसे बेटी बचाओ अभियान सबने चलाया, और चलने के बाद में बेटी पैदा हुई तो पेड़ लगाए और उनके जो कुछ खुशियां मनाई, उसी तरह से ये वाले भी जैसे फेस्टिवल होते हैं, राष्ट्रीय फेस्टिवल है या तीज त्योहार के फेस्टिवल, उसमें पुरुषों को भी कुछ जिम्मेदारी भी महिलाएं करती हैं, लेकिन पुरुषों को भी ऐसी जिम्मेदारी का एहसास हो तो वो अपने आप में सोचे कि हम इक्वल हैं, इस तरह की स्थिति होते हुए ही हमारा और वर्किंग एरिया जो हमारा अपना है उसी में अपने अपने एरिया में ऐसा नेटवर्क स्ट्रोंग हो और उस स्ट्रोंग नेटवर्क के अकॉर्डिंग जो आगे की कार्रवाई जो चलेगी उसमें मॉनिटरिंग का भी एक सिस्टम होना चाहिए कि हम कितने टाइम पे करें। इसी तरह का रहा बाकी सबके अपने जो व्यूज थे, सब समान जैसे ही हैं, बस ये है कि गतिविधियां ऐसी हो जो अपने अपने क्षेत्र में उसमें कहीं कहीं इसको जोड़ा जाए, और जोड़ने का एक आप जिस तरह से आज स्टडी पेस हुई है उसमें छोटे ऑर्गेनाइजेशन जो अपने स्थानीय स्तर के हैं उनको सपोर्ट थोड़ा सा फाइनेंशियली भी और कुछ टूल्स जो एडवोकेसी के और कुछ इसके रिसर्च के दिए जाए तो इसको और बड़े स्तर पे किया जा सकता है। थैंक्स मैम। थैंक यू सरोज जी। इस ग्रुप से कुछ अगर छूट गया कोई कुछ ऐड करना चाहे, नहीं तो फिर हम अगले ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। ग्रुप के मेंबर्स अगर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। ओके, लग नहीं रहा है किसी का कोई। जी ग्रुप नंबर दो से अंजनी जी हैं। अंजनी जी। हाँ जी 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 जी। धन्यवाद। ग्रुप दो दो से जो हमारे हमारा विषय था कि वो थ्योरी ऑफ चेंज में जो क्या जो प्रस्तावित परिवर्तन की प्रक्रिया है वो क्या व्यावहारिक है और क्या इसमें संकेत हमें मिलते हैं उसको काम करने के आगे की दिशा क्या तय की जा सकती है। तो उसमें जो एक चीज समझ में जो हम लोगों की ग्रुप में चर्चा हुई उसमें जो निकल के आया है वो दिखा कि जो इंडिविजुअल के लेवल पर जो बदलाव है जो व्यक्तिगत बदलाव है वो तो और घर के अंदर जो बदलाव है वो दिखाई दिया है स्पष्ट रूप से, वो बढ़ा भी है जो इंडिविजुअल्स व्यक्ति लोगों के जो इंडिविजुअल व्यक्तिगत के स्तर पर, परंतु समुदाय के स्तर पर ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है अभी। और अगर समुदाय के स्तर पर कुछ दिखाई दे भी रहा है तो एक एक लंबे समय तक कुछ लोगों के माइंड सेट्स चेंज हुए हैं और एक लंबे समय से वो कई और प्रभाव भी उसके साथ में शामिल है उसको लेकर के कुछ समुदाय पर छोटे छोटे बदलाव दिख रहे हैं। कोई बहुत बड़ा बदलाव समुदाय स्तर पर और सत्ता के स्तर पर बहुत नहीं दिख रहा है, कुछ प्रोग्रामेटिक भी है इसके कारण भी है। लेकिन अगर हम कहते हैं जो सहनशीलता या आक्रामकता या मर्दानगी ये वाला भाव सिर्फ परिवार के अंदर कुछ बदला है, और कोविड में एक चीज और हुई है कि जो संवाद है जो परिवारों में संवाद जो रिसर्च में भी निकल के आया है वो बढ़ा है, एक दूसरे को पारिवारिक माहौल में लोग समझने लगे हैं। तो इससे एक चीज है कि कम्युनिकेशन समूह परिवार के अंदर बढ़ा है लोगों में, लड़कियों का पिता से और पति पत्नी के बीच में और पारिवारिक भी, तो एक तो ये सीधी सीधी निकल कर आई है। और दूसरा था कि जो बड़ों के माइंडसेट है या सामाजिक नॉर्म्स जो है सोशल नॉर्म्स है उसमें कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके लिए कुछ बड़े प्रयास और लंबे समय के प्रयास करने की जरूरत है। और तीसरा जो हम लोगों का आया है कि महिला और पुरुष दोनों के साथ काम करना जरूरी है, हम लोग अकेले किसी एक को नहीं लेके चल सकते हैं। और इसी के साथ साथ है कि जो युवा हैं युवा पीढ़ी के साथ अगर हम काम करते हैं, वो पुरुष और महिला दोनों हो सकते दोनों हैं, अगर युवाओं के साथ हम काम करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत तेजी से दिखता है और वो रिफ्लेक्ट करता है परिवार में भी और समाज में भी, वो ज्यादा प्रभावकारी है युवाओं के साथ में डायरेक्ट इंटरवेंशन करना। और एक और आया था हम लोगों के ग्रुप में कि जो कई बार इंडिविजुअल लेवल पे कुछ हो जा रहा है और वो वहां पर तो वो दिख रहा है, परंतु लेकिन जब उसके पीछे भी अगर कोई
एक्टिव एक्शन और लगातार पुश करते रहते हैं कोई संस्था, तभी वो कहीं बदलाव दिखता है। वो अगर छोड़ देते हैं तो फिर वो बैक चला जाता है। तो ये भी है कि एक कलेक्टिव एक्शन, या तो वो नेटवर्क हो या संस्थागत हो या कैसे हो, वो एक कलेक्टिव एक्शन, एक पुश वाली जो पॉलिसी है वो थोड़ी से लंबे समय तक चलाने की जरूरत है। नीतियों के रूप में उसको कैसे हम लोग लेके जा सकते हैं और उसमें लगातार प्रयास करने की जरूरत है। तो लास्ट में कुछ हम लोग समय की कमी के कारण लास्ट वाले में ज्यादा नहीं हो पाया, तो सतीश जी अगर कुछ नोट किए हो तो जोड़ सकते हैं। मैंने तो इतना ही नोट कर लगभग आ गया है। बस एक था कि इससे जो दिशा मिल रही है उसमें एक तो किशोरों को जोड़ने की बहुत जरूरत दिख रही है और थोड़ा लंबे समय तक काम करने की जरूरत है। वो बहुत छोटे पीरियड में बदलाव नहीं हो सकता है, ये समझ में आ रहा है। और कम्युनिटी के कुछ अन्य इन्फ्लुएंसर और लीडर हैं तो उनको कैसे शामिल किया जाए, वो भी एक दिशा दिख रही है, ताकि वो कलेक्टिव जो सोशल नॉर्म है उसको बदलाव करने में एक मदद हो सकते हैं। और तीसरा ये भी दिशा दिख रही थी कि रोल मॉडल मतलब उदाहरण प्रस्तुत करने की जरूरत है, तभी हम काम को ठोस बना पाएंगे, आगे ले जा पाएंगे। और ये भी था कि कलेक्टिव एक्शन जो है अगर संस्थाओं के बहुत नहीं दिख पा रहा है, मतलब संस्थाओं का पुश जो है या सपोर्ट जो है कि बहुत जरूरत पड़ेगी, तो वो अपने आप शायद परिवार में हो सकता है, लेकिन कलेक्टिव काम है या सोशल नॉर्म का जो काम है बड़े पैमाने पे, उसमें संस्थाओं को पीछे से थोड़ा धक्का देना होगा। थैंक यू अंजनी जी एंड सतीश जी। हम अब ग्रुप नंबर 3 या ग्रुप नंबर 3 से मैं दीप, I'll just make a very थोड़ा सा brief presentation। ये था learning mechanisms कि हमारा जो learning mechanisms CBOs का है वो क्या है, अगर उसको और हम effective बनाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, और कुछ नई suggestions के ऊपर। तो जो impression ऐसे हुआ कि हम सबका ये जो learning mechanism इसमें और develop करना पड़ेगा। ये एक जगह है जहाँ पे हम कुछ शेयर कर रहे थे, लेकिन हमें लगा कि और थोड़ा डेवलपमेंट करना पड़ेगा, विशेष करके ये जो डिफरेंट स्टेजेस हैं कि जब चेंजेस हम मेजर कर रहे हैं तो आमतौर पे ये 3 स्टेजेस पर ही हम मेजर कर रहे हैं। एक तो इंडिविजुअल लेवल पे जो कि फैमिली में रिफ्लेक्ट होता है, एक पीयर लेवल पे, और उसके बाद कम्युनिटी के ऊपर जो प्रभाव क्या पड़ता है उसके ऊपर। तो जस्ट लाइक एज अदर पीपल शेयर्ड दैट द इन्फ्लुएंस एट द कम्युनिटी लेवल हैज बीन वेरी डिफिकल्ट टू मेजर, इन आर परसेप्शन उतना हुआ भी नहीं है। वन ऑफ द रीजंस इज दैट लॉट ऑफ द यंग पीपल जो लड़के हैं, जैसे किशोर की बात कर रहे थे अगला पहला ये जस्ट पिछले वाला ग्रुप, तो उनका थोड़ा लिमिटेशंस भी होते हैं कि वो कितना कर सकते हैं। तो इट इज दे आर मोर सक्सेसफुल इन द फैमिली लेवल और अपना एकदम इमीडिएट कम्युनिटीज में हो सकता है कि रिलेटिव एक्सटेंडेड फैमिली में, लेकिन जब कम्युनिटीज में आते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात भी उठा है कि एक क्रिटिकल मास्क जो परिवर्तन हम चाह रहे हैं उसका जो समर्थक है उनकी एक संख्या एक होना चाहिए उस समाज में, जिसके बाद आफ्टर द क्रिटिकल मास ही हम कुछ कर सकते हैं। तो दैट इज समथिंग वी विल नीड टू लुक इवन ड्यूरिंग आवर मॉनिटरिंग एंड लर्निंग कि कैसे वो क्रिटिकल मास हम बिल्ड कर सकते हैं, और कैसे हम खाली ये यूथ ग्रुप या खाली मेंस ग्रुप नहीं, उसे और भी अलग अलग जो ग्रुप है सोसाइटीज में उनको कैसे एक जगह ला सकते हैं एक कोलैबोरेशन के हिसाब से कि वो क्रिटिकल मास तैयार हो। तो एक तो ये यही था हमारा डिस्कशन, लेकिन अगर कोई हमारे ग्रुप से कोई ऐड करना चाहे तो अच्छा होगा। ग्रुप के कोई मेंबर ऐड करना चाहेंगे? थैंक यू दीप। ओके, नहीं लग रहा है। ओके, सो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कमिंग अप। हम लोग अब नेक्स्ट ग्रुप की तरफ बढ़ते, ग्रुप नंबर 4। यस, आई विल बी प्रेजेंटिंग संध्या। So, हमारे ग्रुप में एक चीज तो ये डिस्कस हुआ था कि जो हमारी लर्निंग मॉनिटरिंग की हमारी ग्रुप थी कि व्हाट कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस कैन डू और यू नो व्हाट इज हैपनिंग, उसमें एक चीज ये था कि डेफिनेटली देर इज अ चैलेंज इन टर्म्स ऑफ जो हाउ टू यू नो इन टर्म्स ऑफ इफ यू वांट टू डू आल्सो देर आर सम रिसोर्सेज गैप
in terms of skill and also in terms of funds to be able to capture all these changes. So that was there discussed. But in addition to that, a few of the things that were suggested were that jo stories hote hain, we should capture them from the very beginning, and we, you know, continue to keep monitoring them at every point in time. So one of the suggestions was that if, you know, we can actually have a film or something on few of the people who are actually changing in a good way. Second suggestion was that there should be some indicators, like if few organizations who are working in this area can come together and come up with few indicators which will show us that, you know, these are the changes that are there. Like it can be long-term, short-term changes. If when you are working with men, these are the probable changes that are there. And if they, that indicator can be shared with the organizations, so that will be very helpful to them. And third is that whatever, at this point in time, there is a lot of discourse that is happening, but whatever is being shared is, it is being shared, but how do you engage the men in that conversation is something that we thought. And also in terms of if you are, you know, at the local level, then it's very important to make local leaders part of, you know, all the dissemination circles, so that they know what is happening, what are the changes that are happening. And another area was the networks of men and boys. Is they should play a big role in dissemination of learning and whatever has happened with men and boys. And one of other another suggestion was that there should be some clarity in the UN agency, which one is, you know, in charge or is taking ownership for work with men. So there is some guideline or something that we all can follow. Mm-hmm. And another thing was that while we are also doing our learning and as part of our work, we should be also, one is the disaggregated data that we should not just see everything together, but to be able to see that what is the different profile of the people, or, you know, if there are certain communities and, you know, their different identities, you know, how does the privileges and vulnerabilities come into play while these changes are happening. So that is good. Our, if I think my team, others can also add on to this. Wonderful. Thanks, Shriti. I think, yeah. So now we are going towards group number 5. Ashni? Good evening, ma'am. Am I audible? You are audible. आप अपना वीडियो ऑन करेंगे? जी तो अच्छा नहीं है. एक मिनट. है, तो हमारा ग्रुप नंबर 5 था और हमारे साथ जो ऑर्गेनाइजेशंस में थे, एक तो जागोरी टीम थी जिसमें से दीपशिखा जी और शालिनी जी थे, साथ ही हमारे साथ आईडीएफ से आई थिंक अनुश्री जी थी और फ्रांसिस जी थे सीआरएएफ आंध्र प्रदेश से. इसके अलावा शांति जी हमारे साथ जुड़ी थी जो एक साइकोलॉजिस्ट भी है और एक्शन. हाँ जी ठीक है ठीक है आप चलिए. हाँ और एक्शन इंडिया की टीम भी साथ में थी. तो जो मुख्य मुद्दे जो हमारे यहाँ पे जो, क्योंकि हमारे थ्योरी ऑफ चेंज के ऊपर था बेसिकली, तो उसका जो मेन जो डिस्कशंस निकल के आए थे कि एक तो हम लोग अपना भी एक प्रोग्राम अभी शुरू करने वाले हैं एंगेजिंग विद मेन एंड बॉयज करके, एंड वी आर ऑलमोस्ट लाइक ऑन द राइट ट्रैक क्योंकि ये मेंशन किया गया था. साथ ही जब हमारा इक्वालिटी का की जो बात होती है तो हम लोगों ने बोला था कि हमारी महिला पंचायतों में भी अब हम लोग पुरुषों के बात सुनने से उनको भी एक अच्छे तरीके से फील होता है कि हाँ यहाँ पे हमारी भी सुनी जाएगी, हमसे भी बात की जा सकती है. तो एक कहीं ना कहीं इक्वालिटी की बात यहाँ पे आ जाती है. इसके अलावा एक बार हम मतलब एक वहां पे ये भी मेंशन किया था अनुश्री जी ने कि कॉम्प्रिहेंसिव इंक्लूसिव प्रोग्राम फॉर हेल्थ एटलीस्ट स्पेशली फॉर एसआरएचआर हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स का एक बहुत जरूरी है कि होना चाहिए और इसके लिए हमें आगे भी शायद काम करने की जरूरत है. साथ में फ्रांसिस जी ने जो मेंशन किया था कि एक तो जो यूनाइटेड नेशंस का है नॉन डिस्क्रिमिनेशन का जो एस्पेक्ट है, उन्होंने बाल पंचायतों को
को के बारे में बात करते हुए बोला कि शेयरिंग जो कि अपने अपने जो डेली रोजमर्रा के जो काम है उसको भी लड़कों से अगर करवाया जाए, जो डिविजन ऑफ लेबर है, तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी को तो उनको एहसास होगा कि शायद जो मम्मी या बहनें जो करती हैं काम वो डेली बेसिस पे करना कितना टफ पड़ जाता है या कितना मुश्किल होता है। इसके अलावा आमिर ने हमारे साथ जो शेयर किया था एक्शन इंडिया से, उन्होंने दो मुद्दों, उन्होंने पुरुषों की भागीदारी से ज्यादा उन्होंने बोला था कि उस मुद्दे के ऊपर, उस इशू के ऊपर ओनरशिप होनी जरूरी है। जिस मुद्दे से आप जुड़ रहे हैं उस मुद्दे से पुरुषों की अपनी खुद की एक समझना उसको जरूरी है, उस मुद्दे के ऊपर अपनी पहचान उनको बनानी है। इसके अलावा ये भी मेंशन किया गया था दीपशिका जी और शालिनी जी ने कि अगर हम इसको एट अ स्कूल लेवल पे लेके जाए करिकुलम चेंजेस में, अगर हम लोग कहीं लीगल लिटरेसी की बात भी की गई थी, और ये भी कहा गया था कि अगर इसको स्कूल लेवल पे हम लोग बॉयज के साथ बैठ के या करिकुलम चेंजेस करें कि हमारे लिए एंगेजिंग विद मेन एंड बॉयज शुड बिगिन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप, दैट इज द स्कूल इटसेल्फ, तो कहीं ना कहीं वो जो सोशल चेंज की हम बात कर रहे हैं वो डेफिनेटली दिखेगा। और फिर हमारी सोनी जी ने इसमें वीकेंड कैंपेन के बारे में बोला था कि सपोर्टिव होना बहुत जरूरी है, और जो मेन सपोर्टिव है उनको फेलिसिटेट करना या उनको अप्रिशिएट करना, एक नया रोल मॉडल टाइप का क्रिएट करना उन मेन के साथ जो शायद विमेन को सपोर्ट करते हैं, और उनको एक न्यू नॉर्मल टाइप का बना देना जिसको हम लोगों ने अभी ये किया था। इसके बाद बस अगर मेरे से कुछ छूट गया हो और बिल्कुल ये जो बात एक और निकल गया इस ग्रुप में थी, तो एक और बात निकल के आई थी कि हमको मॉडल्स क्रिएट करने की जरूरत है, और जो न्यू मॉडल्स हैं उनको, क्योंकि लोगों को देखने के लिए मॉडल्स ही नहीं है, अगर कुछ चेंज हो रहा है वो कहाँ से पता चले, तो वो रोल मॉडल्स कहाँ हो, और अगर जब जहां पर चेंज, टीम में डिस्कशन में कुछ इस तरह की बातें हुई थी, तो उनको हम कहाँ पर आगे ला सकते हैं, उसकी शेयरिंग हो, उसके बारे में बात हो, तो ये पॉइंट था। आई थिंक ऑल अदर पॉइंट्स आर कवर्ड इन दिस ग्रुप। अभी कोई और ग्रुप है? आई थिंक दिस अनदर ग्रुप। श्रीति? नो दैट्स इट। ओके, या थैंक यू। आई थिंक बहुत सघन चर्चा हुई, काफी in-depth discussion hua hai, and these are very good points that's coming up. Now over to you, Inakshi, for the next discussion and the... Thank you. Ma'am, Action India team ki taraf se gana... Last minute. Inakshi ji, aap mute hai. You are mute. Abhi, according to the program, hume 10 minute ki discussion, the time khatam ho jayega, isli जल्दी करना पड़ेगा, 5 से ऊपर हो गया है। तो फ्यूचर डायरेक्शन फॉर मेन, फॉर वर्क विद मेन, रेस्पॉन्स फ्रॉम सम की स्टेक होल्डर्स, ये इस पे चर्चा करना है। तो हाउ डू यू सजेस्ट संध्या, वी टेक दिस फॉरवर्ड? संध्या आप म्यूट पर हैं। यस, सो वी कैन इनवाइट पीपल इफ देयर इज समबडी हु वांट्स टू शेयर देयर। हां, सो दिस आई थिंक अगेन इट वुड बी बेटर आप थोड़ा इसको इसका संचालन करें, क्योंकि आप लोगों को जानती पहचानती ज्यादा है मुझसे, तो आप अगर क्योंकि खुद नहीं आए तो आप बुला सकती हैं। जी, आप में से जो भी फ्रेंड्स यहां पर हैं अपने काम के अनुभव के आधार पे, इस पूरी चर्चा जो पॉइंट्स अभी निकल के आए हैं उसके साथ कुछ और आपके आइडियाज हैं, कुछ और सजेशंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं, प्लीज डू शेयर। जो संस्थाएं इस स्टडी में जुड़ी हुई थी उनमें से कोई है तो वो आगे अगर आप लोग अपनी बात रखना चाहें एक एक मिनट में तो। संध्या जी, प्लीज मेरे को बोलना ना पड़े, प्लीज आप लोग खुद ही अपनी बात रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं बहुत संक्षिप्त में दो बातें रखना चाहूंगी। एक तो एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की जरूरत है,
जो कि लर्निंग शेयरिंग पर हो और जो रोल मॉडल्स की बात हो रही है, तो वो कुछ हो सकता है क्षेत्रीय विविधताएं होंगी और कुछ क्षेत्रीय प्रॉब्लम्स भी थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, बट एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की मुझे जरूरत लग रही है कि अगर होता है और कुछ उसके हिसाब से कुछ मॉड्यूल्स और कम्युनिकेशन मेथडोलॉजी डेवलप होती है तो ये एक आगे के लिए जरूरत है मुझे लगता है। और जहां तक हम लोगों ने आगे भी चर्चा की है कि यूथ को इसको कैसे शामिल करना है, इसमें स्कूल के यूथ, कम्युनिटी के यूथ कैसे शामिल होंगे, इस पर एक नीतियां बनाने की जरूरत है, प्रोग्राम्स बनाने। अंजनी जी, आपकी संस्था इस स्टडी से जुड़ी हुई थी? क्वेश्चनर तो आया था, पता नहीं मुझे संध्या जी बता पाएंगी। हमने तो क्वेश्चनर जो आपने भेजा था तो उसको तो हमने भर के भेजा था। जी हाँ, जो स्टडी से जुड़ी हुई थी। तो वो जो क्वेश्चनर आपने जब फिल किया तो आपको कुछ लगा कि आपको कुछ मंथन करने का मौका मिल रहा है, कुछ सोचने का मौका मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, सोच मतलब हम लोग जो काम कर रहे थे उसको एक्सपीरियंस और लोगों के साथ जो बातचीत हो रही थी उसके आधार पे ही हम लोगों ने क्वेश्चंस को माने जो 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 हमारे साथ जुड़े हुए हैं कम्युनिटी के लोग उनके साथ भी चर्चा हुई थी इस विषय को लेकर, तभी भरा गया था ये फॉर्म। जी विमला चंद्रशेखर जी है क्या वो अपने विचार शेयर कर सकती हैं? विमला चंद्रशेखर और जागोरी से कोई अपने बात रख सकते हैं? हेलो, काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन ने इस इन सर्वे में पार्टिसिपेट किया, सो थ्योरी ऑफ चेंज के अंदर एक बात मेंशन की गई थी कि चैलेंजिंग देयर ओन प्रिविलेजेस, आई मीन स्पेशली फॉर एंगेजिंग मेन एंड यूथ, सो मेन एंड बॉयज, जस्ट अ सेकंड, मैं अपना, हाँ जी, सो एक बात कही गई थी चैलेंजिंग देयर ओन प्रिविलेजेस मेन एंड वुमेन के लिए एंड टेकिंग द ओनरशिप ऑफ व्हाट दे आर डूइंग। सो अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो स्पेशली मेन और बॉयज के साथ काम कर रही हैं, अगर वो इस पे थोड़ा और प्रकाश डाल पाए कि उन्होंने किस तरीके के इंटरवेंशंस किए थे, तो आई थिंक दैट वुड बी मच बेटर फॉर मी टू गेट दैट इनसाइट्स, हाउ दे हैव वर्कड एंड व्हाट स्टेप्स दे हैव टेकन टू मेक श्योर इन दिस particular field. I hope my question is understandable. Yeah. Abhijit ji, please, I request you. So there were a whole range of activities and this is a interpretation. So exactly kisne kya kiya, वो तो मैंने एक यही था कि पीपल डिड लॉट्स ऑफ थिंग्स, किसी ने एक स्ट्रेटजी इस्तेमाल की, सो फ्रॉम कम्युनिटी मोबिलाइजेशन टू जो जो थियरी ऑफ चेंज का उसका पहले वाला वर्जन आप अगर देखोगे, सो देयर वर 7 or 8 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज उसमें लिस्टेड था, जो उसके बाद ये जो चैलेंजिंग देयर प्रिविलेजेस है वो न्यू मैस्कुलिनिटीज का हिस्सा था, तो ये दिस इज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू, तो एग्जैक्टली किससे क्या होता है ये मैप करना मुझे लगता है उचित नहीं है, और मैं तो ये भी सुझाव दूंगा कि जो एट्रीब्यूशन वाला हम लोग सोचते हैं अक्सर, रिसर्च वाले एट्रीब्यूशन की बात सोचते हैं कि किससे क्या होता है, सोशल चेंज दवाई नहीं है कि इसको खाओगे तो एंटीबायोटिक खाओगे तो बीमारी दूर हो जाएगा, वी वुड लाइक टू यूज मोर कॉन्ट्रीब्यूटरी लैंग्वेज कि महिलाओं के साथ काम पहले से है तो दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स, पुरुषों के साथ सॉलिडारिटी ग्रुप्स बनाओगे कॉन्ट्रीब्यूट्स, कैपेसिटी बिल्डिंग में जो है इश्यूज ऑफ पावर, इश्यूज ऑफ मैस्कुलिनिटी, इश्यूज ऑफ सेक्सुअलिटी इंक्लूड करोगे दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स, सो आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप द मैसेज दैट आई गॉट जो पढ़ने के बाद ये है कि मल्टीपल मेथड्स कॉन्ट्रीब्यूट, कुछ जो है they contribute more than others, और उनको हमने मैंने निकालने की कोशिश की, and to bring in my own understanding इस तरह के काम का पिछले 2 दशकों से is it resonates with हमने अपना जो काम अलग अलग जगह किया है
the findings resonate. So I would strongly say ki we avoid looking for what is the one thing that works. Wo golden bullet ya silver bullet wala jo dawaiyon ke काम में हम लोग करते हैं सोशल चेंज में उसको करना नहीं चाहिए. ये कॉम्प्लेक्स चेंज है यानी कि मल्टीफैक्टोरियल है तो इसमें हमको कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए. जी जी थैंक यू अभिजीत. थैंक यू सो मच. सागर वाईपी फाउंडेशन से सागर है. सागर वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग. हाय संध्या. या हाय. आप हाँ वीडियो ऑन करेंगे प्लीज आप अपना इफ पॉसिबल. Sure, just give me one second. Hi. So just going to take half a minute, I think, in this. Happy to see that these results have come in and looking forward to the presentation and report. Just wanted to add for future work, we've been also doing some consultations in Uttar Pradesh with many organizations to understand their work during COVID especially. And one thing that I wanted to highlight here was that a need that is emerging is to also address many realities that have not been spoken of in programming with men, specifically around in the context that we were looking at, specifically around religion and caste, but can also expand to many other issues such as sexuality, class, ability, and so on. But slight shift towards intersectionality in programming is something that is becoming very urgent now. And as we saw during COVID, a lot of organizations that we were speaking to in our networks were facing challenges around caste-based violence and religious-based violence in UP, and specifically program participants also facing these challenges. But organizations, a lot of these organizations didn't have the capacity to address these issues immediately. And a lot of their program participants who were learning a lot of great things about gender equality were probably not having these conversations as part of program designs. So addressing these challenges became very difficult for many organizations because this kind of conversation doesn't happen very regularly as part of their programs. So we're also now trying to think, can we talk about masculinities from a lens of gender, caste, class, sexuality, and so on, in a way that addresses men and boys' experiences all around. So if we speak of violence, a lot of instances of violence amongst men would come along the lines of caste in many states in India, around religion more so nowadays also. So around sexuality even, because again, a lot of queer men do not get talked about in these in our programming. So this would be one suggestion that we start thinking about more and more these identities and sort of bring them into the discourse of gender and masculinities that we do. It might have some merit in addressing these realities more thoroughly. Thank you, Sagar. I think this is very important issue of intersectionality you talked about, and this is already emerging actually another area to work upon. Okay, so I think now considering the time limit also, I'm handing over the session to Inakshi ji for the further discussions. Thank you. You are muted. Thank you, Sandhya. Baar baar utke ye intersectionality to aa raha hai. कि सिर्फ जेंडर पे अगर जेंडर पे हम काम कर रहे हैं तो सिर्फ वायलेंस को लेकर करेंगे तो एक तरह का वायलेंस जो है वो औरतों और मर्दों के बीच का वायलेंस काफी नहीं है. वील हैव टू लुक एट द अदर एस्पेक्ट्स एंड इफ आवर ये भी आ रहा है कि हमारी इंटरवेंशन डिस्क्रिमिनेशन within genders in the family address kar sakti hai thoda bahut community, lekin if it does not address the other social real, I mean once you're making an intervention it should also be able to move into other activities. I have a little story over here. Main thode saal pehle thode nahi kafi saal pehle ek study kar rahi thi trained birth attendants ke par जो कि यूपी में था और वो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेन बर्थ अटेंडेंस के ऊपर था टू मेक सेफ डिलीवरी अवेलेबल टू विमेन. लेकिन जितने ट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट्स थे जिनको ट्रेनिंग दी जा रही थी वो सिर्फ एक ही समुदाय और एक ही कास्ट ग्रुप के थे. तो
उस इतना बड़ा इंटरवेंशन, इतना इतने करोड़ों रुपए का इंटरवेंशन किया जा रहा था, लेकिन कास्ट का जो एक मुद्दा है वो ब्रेक नहीं हो रहा था, वो रोल्स ब्रेक नहीं हो रहे थे, उन्हीं को ट्रेन किया जा रहा था और उन्हीं से काम कराया जा रहा था और उनके साथ वही व्यवहार हो रहा था जो चलता आ रहा है। सिर्फ ये था कि उनको, उनके पास किट सेफर थे, उनके पास ग्लव्स थे और उनके पास ब्लेड थे, तो मतलब उनके रोल में बढ़ोतरी ये आई कि वो उसको बेटर वही रोल कर पा रहे थे, लेकिन देयर वाज नो चेंज इन द ट्रांजैक्शंस इन सोसाइटी। सो टू माय माइंड दैट इज अ इट्स नॉट एन कंप्लीट एक्टिविटी when you do that. So I think that is the kind of question that is arising. So on that note, I will ask, since Gayatri is not here, can I ask Deepa to make some final remarks? Hello everyone, this is Deepa. I am from Pramati Philanthropy Partners, who along with the ATE Chandra Foundation, actually representing ATE Chandra Foundation at this point. So I will try to mix Hindi and English, but thoda mushkil hoga because Hindi is not a natural language that comes to me. First and foremost, I want to start off by thanking CHSJ, Abhijit ji, Sandhya ji, and Inakshi for putting this together, putting together this whole report and, you know, kind of having this kind of a forum to share the findings and seek feedback. So I think it's a phenomenal learning for us overall as well. I also would like to thank all the participating organizations who have stayed patiently with us today, as well as, you know, who all have shared their learnings through the process of this study. I want to spend 2 minutes talking about ATE Chandra Foundation and the reason we commissioned this particular study. So the ATE Chandra Foundation is actually, the principals are Mr. Amit Chandra and his wife Archana Chandra and Anuj Bhagwati, who is the the key person of ATE Enterprises group of companies in Bombay. So the core focus of the foundation is largely with respect to sustainable rural development and capacity building of the social sector at large. However, जो एक core passion project है उनका वो है ये gender वाला project, which is how this kind of came into being. And what we realized as we were undertaking this from the foundation is कि काफी सारे लोग और संस्थाएं जो हैं वो काम कर रही हैं gender के ऊपर, especially around the gender based violence या domestic violence, running counseling centers and advocacy work. But in the process, we also realized that a lot of them are documenting their work in a very systematic way. And neither are they kind of, there are any best practices. I mean, there have been few, which I think Roni and Likini Philanthropies have also been working on it together. And we constantly exchange notes. But at the same time, what we realized was, as Ranjini Murthy, she pointed out, a lot of anecdotal evidence, but this kind of exercise has not been taken place in terms of documenting the strategies, the findings, the best practices, and what Abhijit towards the end said, the contributing factors to make this possibility, right? To actually, I don't know if we can eliminate this completely, but what we can do to stem this kind of issue, the gender-based violence going forward. So the lens we took was largely prevention. And one of the things, this was the first study that we commissioned from the gender portfolio itself, and the findings of it has been immensely, I think, insightful. Especially to note with respect to the changes that one can see at the individual and the family level as well. So I think that was, again, something to take heart into, I think take heart about is essentially that ki ho raha hai, badlav aa rahi hai, and ye dheere dheere hi aayegi, kyunki I think we're all conditioned in a certain way to think about, and we are talking about a mindset change, which is not going to be an easy one to achieve. So kudos to all of you who are working in this space and for talking about this and bringing about those changes.
And also what Amita ji pointed out, you know, with respect to even those small wins with respect to the panchayat resolutions, I think they are stories of community changes or the collective action. Now, how do we take it to scale is probably that phase two that we all need to think about in terms of thinking about these, whatever CHSJ team has been able to put together these findings. What are some of those practices that can be distilled and applicable to organizations far and wide? So one is, of course, from the community level, and this is to some extent the future. I'm not talking about it from the ground level, because I think Sagar and the Jagori team and a couple of them spoke about that from the programmatic lens. But what I'm trying to do, look at it is also from the future level or the phase two is, how do we look at transforming this at a collective level or spreading whatever our learnings are at a much larger scale? Aaj agar 66 organizations hain, I'm sure there are many more in our country who are doing this work in various pockets. How do we spread these learnings that we have assimilated in a toolkit form? These are the activities one can do. These are the ways in which one can look at figuring out whether aap jo kar rahe intervention, if it is effective or not. So if I were to just summarize the future from the way I'm thinking about it is, one is certainly the, you know, of course, collation of these findings, taking the feedback from this session, A. But B is in terms of dissemination at a much larger scale. How do we do that? And any feedback on that from the entire team would be welcome to share with the CHSJ team. The second is what Ranjini ji also mentioned is, how can we identify areas in which some of it, can this be transformed or influence policy? It is a long gestation, but are there things that are stemming out which we feel, there has to be a change in policy around it? And how do we work on that front to bring about change again at a large scale level? And the third thing I would say, you know, which has come up time and again is this role model effect, right? So those studies humko kaise karni hai, and who are the different role models who are there, and how can communication play a role in this community change as well? Because like I think Deep pointed out, I think one is, you know, individual and family, but then how do you stop sometimes, you know, what is that agency of change that you can also give to those individuals so that they don't get, unfortunate backlashes from the community? So how can communication come in there from, and this role model effect also come into play to bring about those transformative change at the community level as well? So with that, I would kind of conclude and once again, thank you to the entire team, and we will be in touch. And I would request all the, all the people who we will be looking at a phase two also. And this is something, we would expect support from, we'd request actually support from all of you to continue this effort. And if there are things that you feel we should be addressing, taking further, some of the points we have noted it down, and we'll see what we can do to address it. To complete this study, but also if you feel something that you want to share, please, I would suggest reach out to CHSJ team and put in your thoughts as well. So thank you so much. Thank you very much, Deepa. With this, we come to the end of our session today. Sab log jo hamare saath jude aur judke rahe abhi tak, unko bahut bahut shukriya, kyunki kafi lamba hai. हमने 2:30 बजे शुरू किया था, अभी 5:30 बजने को जा रहा है. तो अब आपको एक्शन इंडिया गाना गाना चाह रही थी, तो गाना जरूर होगा. गाने के साथ हम सबको फिर से शुक्रिया और धन्यवाद और अलविदा कहेंगे. और मैं अभिजीत और संध्या, आप लोग ने नोट कर लिया होगा सबके सुझाव और उसको आगे लेने का आप क्या सोच रहे हैं उसके बारे में आप जरूर शायद सबके साथ ईमेल या को करेंगे. हम शुरू करें ना? जरूर 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 जरूर.
ये गीत ना मैम बेसिकली कि हम सबका साथ मिलने से कितनी खुशहाली आती है जब सब लोग एक साथ मिलकर चलते हैं, तो उसी पर आधारित रहेगी। जी जी। तुम्हारा साथ मिलने से एहसास कुवत आया है, नई दुनिया बनाने का जुनून फिर हम पे छाया है। तुम्हारा साथ मिलने से एहसास कुवत आया है, नई दुनिया बनाने का जुनू फिर हम पे छाया है। कुछ तन्हा तन्हा में थी, कुछ तन्हाई तुम में थी, दोनों में थी लाचारी, दोनों थी थके हारी। कुछ तन्हा तन्हा में थी, कुछ तन्हाई तुम में थी, दोनों में थी लाचारी, दोनों थी थके हारी। इजारे राज करने से घुटन को कुछ घटाया है, इजारे राज करने से घुटन को कुछ घटाया है, तुम्हारा साथ मिलने से एहसास कुवत आया है। थोड़ा मैं तुमको समझी, थोड़ा तुम। थैंक यू धन्यवाद सबको। शुभ रात्रि, शुभ सब लोग अपने अपने अब स्क्रीन से आंख हटा सकते हैं।